So, good evening everyone. My name is Pratik and I welcome you all to Aspire IS. Today, we are going to learn the easiest ways to crack quantitative aptitude. आप सबको लगता होगा quantitative aptitude बहुत difficult है, मुझे भी लगता है. लेकिन अगर हमारे basics clear हो या हम थोड़ा सा common sense apply करें, तो without formulas हम लोग सारे के सारे quantitative aptitude के questions solve कर सकते हैं. How? Just wait for a second. So, ये जो वीडियो है ये तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया है. द फर्स्ट पार्ट विल बी द 10 एनालिसिस ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स सीसेट. सेकंड पार्ट वुड बी व्हाई पीपल कैनॉट क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2 इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे हैव क्लियर्ड पेपर 1. बहुत सारे बच्चों को 100-110 मार्क्स ऐसे मिलते हैं, लेकिन पेपर 2 में उन्हें बहुत कम मार्क्स मिलते हैं, 66 क्रॉस नहीं कर पाते. सो हियर इज वेयर एस्पायर आईएएस इज गोइंग टू हेल्प यू. अब सबसे पहले आप जैसे देख रहे हैं ट्रेंड एनालिसिस, अराउंड 23 क्वेश्चंस हैव कम फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग, 27 क्वेश्चंस हैव कम फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड 30 क्वेश्चंस हैव कम फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. तो इसका मतलब क्या है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट विच यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2. सो अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, ठीक है. लेकिन आज का जो वीडियो है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में. अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 1, 2, 3, 4, 5, 6 अराउंड 10 to 12 टॉपिक्स है जो प्रायोरिटी टॉपिक्स है. दीज आर द प्रायोरिटी टॉपिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फ्रॉम विच अराउंड 27 to 28 क्वेश्चंस आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कम एवरी ईयर. सो दैट इज व्हाई वी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2021. नाउ व्हाट इफ आई टेल यू दैट यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन without using a formula, without using any formula in the exam hall, just because of a few tricks that I'm going to tell you in this video. The first and the foremost trick is you should be confident and concentration should be very high. So, the first thing is you should be confident that you can solve this question. Most of the students, they find a longer statement in the question and they think ki nahi mere se to nahi ho payega. Kabhi n agar dikh gaya, agar dot 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 dikh gaya, 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 n, to fir to gaye dher wahi pe ki mere se to ho hi nahi payega. Lekin what if I tell you that you can still solve this questions, this type of questions without even knowing the formula right in this video. Just Be with me through this video and I am going to tell you each and every trick that we must apply in the examination hall without even knowing the formula. The second thing that you need to qualify CSAT or to qualify the quant section of CSAT is basic numeracy. What is basic numeracy? Basic numeracy is tables. At least from 1 to 20. At least. ठीक है, 1 to 30 अगर रहा तो well and good, अगर नहीं आता है तो पढ़ो. 1 to 30 तक तो at least आप पढ़ो. ठीक है, 1 to 30. Second is you need to learn the squares and cubes. Once again. Squares and cubes of squares from 1 to let's say 15 and cubes from 1 to 10. बस इतना ही लर्न करना है. थर्ड इज द फ्रैक्शन. फ्रैक्शन मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि 1/5 इज इक्वल टू 20%, ठीक है, 1/4 इज इक्वल टू 25%. ये सारी चीजें फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए. दिस इज द बेसिक न्यूमरेसी पार्ट. द थर्ड इज दैट थिंग विच इज वेरी अनकॉमन, दैट इज योर कॉमन सेंस. अब ये अगर आपका स्ट्रॉन्ग है इस यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2 में तो आप डेफिनेटली ये क्लियर कर पाओगे. अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको लगेगा कि बहुत इजी क्वेश्चंस भी आपको डिफिकल्ट लग जाएंगे. व्हाई? बिकॉज़ सेंटेंसेस आर फ्रेम्ड इन सच अ मैनर दैट यू इट सीम्स टू बी डिफिकल्ट बट इट इज नॉट रियली. सो ऑल दिस विल हेल्प यू डेवलप योर क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी ड्यू टू विच यू आर गोइंग टू सॉल्व all the quantitative aptitude questions. Okay, so let us now see the first question. We are going to solve each and every question without using formula
and you are going to solve these questions with me. Okay, so the first question is, in a group of 120 persons, 80 are Indians and the rest are foreigners. अब इसमें सबसे सिंपल मुझे क्या आता है, टेबल, टेबल एज इन फ्लो चार्ट बनाना. 120 है टोटल, 80 आर इंडियंस, 40 आर फॉरेनर्स. मुझे इतना पता है 40 फॉरेनर्स है, 80 इंडियंस है. ठीक है, फर्दर 70 पर्सन इन द ग्रुप कैन स्पीक इंग्लिश. अब 70 लोग जो है वो इंग्लिश बोलते हैं 120 में से. ठीक है ना, ये जो 70 है दिस इज आउट ऑफ 120. द नंबर ऑफ इंडियंस हु कैन स्पीक इंग्लिश इज 20, 30, 30 और लेस और 30 और मोर. अब ये तो क्वेश्चन दे दिया, अब हमें तो पता ही नहीं कि भाई कितने इंडियंस इंग्लिश बात करते हैं. ठीक है, लेट अस सपोज दैट एवरी फॉरेनर स्पीक्स इंग्लिश. ठीक है, अगर सारे फॉरेनर्स इंग्लिश बात किया, अगर सारों ने, तो 70 - 40 = 30. सो देर विल बी 30 इंडियंस एग्जैक्टली हु वुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश. ओके, 30 इंडियंस. अब अगर 40 से ज्यादा तो हो नहीं सकते फॉरेनर्स, ऑब्वियसली 40 एंड फॉरेनर्स तो हो नहीं सकते क्योंकि टोटल ही 40 है. ठीक है, अगर समझ लीजिए 39 है, ठीक है, तो यहाँ पे 31 हो जाएगा, 31 पीपल हु आर स्पीकिंग इंग्लिश. व्हाई? बिकॉज टोटल इज 70. सो 70 - 39 = 31. ओके, सो इसका मतलब क्या है कि 30 और मोर इज आर आंसर. This is the first answer. इसमें ना हमने कोई फॉर्मूला लगाया, ना हमने कोई पाई चार्ट बनाया, ना वेन डायग्राम बनाया, कुछ भी नहीं बनाया. सिंपल लॉजिक से हमने सॉल्व किया. ऐसे ही हमें आगे के क्वेश्चन देखने हैं. तो हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं. उन्होंने क्या पूछा है, कंसिडर ऑल थ्री डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स ऑब्टेन्ड यूजिंग थ्री नॉन जीरो डिजिट्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ थ्री. सो थ्री नॉन जीरो डिजिट्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ थ्री, मुझे ये तो पता है कि ये है 3, 6 और 9. Which are multiples of 3 non-digit. Let S be their sum. इन्होंने क्या कहा है कि all the 3-digit numbers consider कीजिए without repetition. तो एक तो हो गया 3, 6, 9. दूसरा हो गया 3, 9, 6. अब ऐसे ही हमें 6 से start करके निकालने हैं, 6, 3, 9, 6, 9, 3. ऐसे ही हमें 9 से start करना है, 9, 3, 6 and 9, 6, 3. ये आ गया. 9 + 6 = 15, 15, 24, 15 + 6 is 15 + 9 = 24, 27, 33, 36. 6 + 3 = 9. 9 + 3 = 12, 21, 24, 33, 39. 3 × 9 = 18, 21, 27, 33, 36, 39. So 3996 ये हमारा इसका सम निकल गया, 3996. ठीक है, एग्जाम में इतना टाइम होता है कि हम लोग सम निकाल सके. अब इसे देखना है कि क्या ये 9 से डिवाइड होता है. ठीक है, 9 × 4 = 36. मैं निकाल के दिखाता हूं. ठीक है, 3996 9 9 4 = 36 39 आ गया 9 4 = 36 39 आ गया और 9 सॉरी 36 आ गया. ठीक है, 9 4 = 36, 0 आ गया 4, 6 9 से तो डिवाइड हो रहा है. ठीक है, अब हमें देखना है कि क्या ये 37 से डिवाइड हो रहा है. 37 क्यों? क्योंकि अब देखिए 2 से तो डिवाइड हो ही रहा है, 3996, इट इज एन इवन नंबर है ना, तो 2 से तो ऑब्वियसली डिवाइड होगा. अब 2 से ऑलरेडी हमने समझ लीजिए डिवाइड कर ही लिया, या बिना कर ही कर सकते हैं हम लोग. तो सिर्फ हमें क्या करना है, 74 को भी 2 से डिवाइड करना है. 74 / 2 = 37. Now 3996 / 37. 37 × 1 = 37. ठीक है, 2 आ गया, 9, 6. अब ये ध्यान देना है कि 7 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जिसके एंड में 6 आता है. ठीक है, 7 × 8 = 56, राइट? 7 × 8 = 56. सो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 37 × 8 निकालेंगे. 37 × 8 = 8, 7 = 56, 5 carry. 8 × 3 = 24. Plus 5, 29. 296 is divisible. That means 3996 is divisible both by, it is always divisible by 74. Also, it is always divisible by this, that is 9. क्यों? क्योंकि 296 भी it is divisible by 2, है ना? कोई कहेगे कि सिर्फ 37 से क्यों किया, 74 से कर लो. तो ठीक है भाई, और एक बार 2 से divide कर लिया, तो 1, 4, 8 आ गया.
है ना? तो 148 मीन्स, सॉरी 296 नहीं, 37 वन जा, 37 एट जा, ठीक है ना, 18 आ गया. तो 18 डिवाइड बाय 2 ऑब्वियसली 9 आ गया. सो ऑब्वियसली सी इज द आंसर. इजी, मैंने ना कोई फॉर्मूला निकाला ना कोई मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ठीक है, बेसिक कॉमन सेंस से मेरा ये आंसर आ गया. अब देर आर टू क्लासेस ए एंड बी हैविंग 25 एंड 30 स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है. तो क्लास ए में कितने हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं, और क्लास बी में कितने हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है भाई. 25 स्टूडेंट्स ए में हैं, बी में है 30 स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली. इन क्लास ए द हाईएस्ट स्कोर इज 21 to 17, ठीक है. इन क्लास बी द हाईएस्ट स्कोर इज 30 एंड द लोएस्ट स्कोर इज 22. तो 30 हाईएस्ट स्कोर है, लोएस्ट स्कोर कितना है, 22. अब फोर स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम क्लास ए टू क्लास बी. फोर स्टूडेंट्स यहां से शिफ्ट हुए टू क्लास बी, यहां पे प्लस फोर हो गए, यहां पे माइनस फोर हो गए. अब द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज एंड द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज. अब ये ध्यान में रखिए कि इसमें हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी. हमें स्कोर नहीं निकालना है, ना हमें स्कोर किसी एक क्लास का निकालना है, हमें सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग हमारी अप्लाई करना है, बेसिक कॉमन सेंस अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है. अब देखिए इसका जो मिनिमम है क्लास बी में, मिनिमम स्कोर है 22, राइट. अगर हमने 7 में, फॉर एग्जांपल, अगर 22 आता है इसका, तो 22 में अगर हम किसी भी लेस वैल्यू को जब एड करते हैं एंड डिवाइड बाय उसको 2 करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, पहले हमने 22 प्लस 23 हम करके देखते हैं, ठीक है, 22 प्लस 23 डिवाइड बाय 2 करके देखते हैं, तो 22 is 45 divided by 2, so 22.5 is the average of these two people, ठीक है. लेकिन अब हमने किसी एक को ऐड कर दिया, 21 को ऐड कर दिया, चलिए जो इसका मैक्सिमम है, 21 plus 22 plus 23 divided by 3 आएगा ये एवरेज. सो टोटल कितना है, 66 divided by 3, 22. तो एवरेज क्या हुआ है, घटा है यहाँ पे. तो जब मिनिमम वैल्यू से कम अगर वैल्यू हमने यहाँ पे जोड़ा है, तो एवरेज कितना हुआ है, 22.5 से लेके कम हुआ है, 22 हुआ है. तो ऑब्वियसली अगर हमने बी में ए के स्कोर्स भी अगर ऐड कर दिए, तो भी टोटल जो एवरेज है वो तो डेफिनेटली डिक्रीज होगा. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, दैट इज द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज. यस, राइट. द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज. अब क्लास ए में इंक्रीज होगा क्या, अब मुझे एक बात बताइए, अगर 17 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर निकाला तो ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, समझ रहे ना. अगर 1 plus 2 plus 3, अगर तीन लोगों का हमने निकाला, ठीक है, डिवाइड बाय 3, तो इन तीनों का स्कोर क्या है, एवरेज स्कोर क्या है, 2, ठीक है. लेकिन हमने अगर छोटे नंबर को निकाला तो 5/3 आएगा, ठीक है, 5/2 आएगा, सॉरी, इसका 2.5 हुआ एवरेज. अगर हमने बड़े नंबर को निकाला, That is 3 को अगर हमने निकाला, तो 1 plus 2, that is 3 divided by 3, मतलब 3 divided by 2, मतलब इसका जो है 1.5 हुआ एवरेज. तो पहले का हमारा एवरेज क्या था, 2, लेकिन हमने जब छोटा वाला नंबर हटाया यहां से तो हमारा एवरेज बढ़ा, और जब हमने बड़ा नंबर निकाला यहां से तो हमारा एवरेज घटा. तो इसका मतलब क्या है, जब ए से हम लोग चार बंदे यहां से निकालेंगे, when we will decrease, when we will shift four students from class A to class B, so in those in that scenario the average score of class A can increase or decrease according to the people that are being shifted or moved, ठीक है. लेकिन ये हमने four students ही बोला है, यहाँ पे कोई मतलब उन्होंने बताया नहीं है कि 21 वाले ही गए, इसलिए ये जो है ये condition यहाँ पे start नहीं हो रही है, यहाँ पे set नहीं हो रही है, इसीलिए इसका answer होगा only one, ठीक है. तो ये भी हमने लॉजिकल रीजनिंग से निकाला है, ये एवरेज का लोगों को लगता है कि एवरेज का समय, लेकिन ये एलआर का ही समय है, इसमें हमें ना एवरेज निकालना पड़ता है ना कुछ, सिर्फ हमने क्या किया है, इसमें कंसिडर किया है पॉइंट्स, ठीक है, कि अगर छोटे छोटे पॉइंट्स अगर हम ले लेते हैं, छोटे छोटे नंबर अगर ले लेते हैं, 1 2 3, है ना, तो हमारा क्या आउटकम निकलता है, उसी को जनरलाइज करके हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, डेफिनेटली आपका आंसर सही आएगा. अब यहाँ पे हमने दे रखा है रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म, इनकरेक्ट, ठीक है ना, इनकरेक्ट ध्यान रखना, बाय करेक्ट टर्म. तो रिप्लेस करना है हमें, ये जो है यहाँ पे करेक्ट टर्म्स दे रखे हैं चार ऑप्शंस, एंड इनकरेक्ट को करेक्ट से रिप्लेस करना है, इन द गिवन सीक्वेंस वेयर ऑड टर्म्स एंड इवन टर्म्स फॉलो द सेम पैटर्न. अब लो,
यही पे यूपीएससी ने हमें हिंट दे दिया, हमें तो दिमाग लगाना ही नहीं पड़ा, सिंपल है। अब हम लोग ऑड और इवन टर्म्स देखेंगे। ऑड है 3 एंड 7, 4 का डिफरेंस है, ठीक है। 7 एंड 3, 13, 4 का डिफरेंस है, 13, 21 कितने का डिफरेंस है, 7 एंड 13 सॉरी 6 का डिफरेंस है, 13 एंड 21 8 का डिफरेंस है, ठीक है, ये 10 का डिफरेंस है, 4, 6, 8, 10, फिर उसके बाद में ये 12 होगा, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यस। अब अगर यहां पे देखें तो सेम पैटर्न्स, उन्होंने क्या बोला है कि ऑड टर्म्स एंड इवन टर्म्स फॉलो द सेम पैटर्न, इसका मतलब ये भी 4 होना चाहिए था, लेकिन ये 4 नहीं है, ये 2 है, उसका मतलब ये 6 होना चाहिए, क्या ये 6 है, हाँ ये 6 है, 4 + 6 = 10, ये भी फॉलो करना चाहिए था, तो 8 आ रहा है, ये सही है, ये भी सही है 10, और ये भी सही है 12, इसका मतलब हमारा दिक्कत किस में है, फर्स्ट सम दैट इज 2 में है दिक्कत। सो हमने एरर सीक्वेंस फाइंड आउट कर लिया। अब एरर सीक्वेंस में हमें क्या करना है, इसे रिप्लेस करना है, तो 4 माइनस ये 2 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 4, सो 4 माइनस 4 इज 0, तो अगर यहाँ पे 0 होता है तो फिर ये जो हमारा पैटर्न है ये फॉलो हो जाएगा, क्योंकि 0 + 4 = 4, 4 + 6 = 10, 10 + 8 = 18, ये हमारा दोनों ऑड एंड इवन का सेम हो रहा है, ठीक है ना। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए इज द आंसर, ठीक है। कितने इजी इजी सम्स है, लेकिन हम लोग बस कॉमन सेंस हमारा अगर हमारा लग जाए, ठीक है ना, इसमें कोई हमें ना फॉर्मूलेस की जरूरत है, ना किसी के मतलब इतना डिपेंडेंट रहने की जरूरत है ऑन फॉर्मूलेस। हम लोग बेसिक भी अगर हमारा कॉन्सेंट्रेशन हाई रखे क्लासरूम में जब हम एग्जाम सॉल्व कर रहे हैं, एंड हमारा हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जब मेंटेन होता है, तब हम ऐसे मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करते और बहुत जल्दी जल्दी हमारे आंसर्स भी निकलने लग जाते हैं, राइट। सो अब हम इसमें देखते हैं, अब ये देखते हैं कि ऐसे सिचुएशंस में हमने क्या करना चाहिए, ठीक है। अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये थोड़े डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें भी हम कुछ ना कुछ तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है ना। 52.5 आया है यहाँ पे, और यहाँ पे 236.25 है, और हमें यहाँ पे पूछा है सी की वैल्यू, ठीक है ना, क्या आएगा सी की जगह क्या आएगा। अब यहाँ पे हम मुझे दिख रहा है कि 8 और 4 में क्या रिलेशन है, हाफ का रिलेशन है, राइट, सही बात है। और अगर हम इसी हाफ के रिलेशन से हम आगे जाते हैं तो क्या ये सपोर्ट कर रहा है, 4 × 1.5 अगर मैं कंसिडर करूं, राइट, तो 4 × 1.5 दैट इज 3/2, 1.5 मतलब 3/2 होता है। अब ये फ्रैक्शन आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना, 1.5 मतलब 15 डिवाइड बाय 10, 5 2 जा 5 3 जा, सो 3/2 आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 3/2 से आ रहे हैं, मतलब 1/2 आया फर्स्ट वाला, दूसरा 3/2 आया, अब तीसरा क्या 5/2 आ रहा है, ठीक है, 5/2 आ रहा है क्या, ठीक है, 6 × 5/2, यस, 2 3 जा 6 और 5 × 3 = 15, तो 5/2 आ गया, ठीक है ना। अब ये जो है ये 7/2 आएगा उस हिसाब से, है ना, ये 3/2 हमने कंसिडर किया है, ये 7/2 आना चाहिए, तो क्या ये 7/2 आ रहा है, 15 × 7/2 डेफिनेटली आएगा, क्योंकि यही फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब इसी में हम देखते हैं 5 के बाद हम क्या करेंगे, तो 5 का 0.5 दैट इज 1/2 इज 2.5, नाउ 2.5 इनटू 3/2, राइट, सो 1.25 इनटू, है ना, 1.5 सॉरी 1.5 इनटू 2.5, ये हमने कैलकुलेट किया इनटू, अब 1.5 इनटू 2.5 कितना होता है, 250 प्लस 125 इज 3.75। अब ये कैसे निकाला मैंने, ठीक है, 25 को पहले मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया एंड देन 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया, उतना तो मैं कर सकता हूं, और फिर बाद में दो जो यहाँ पे डेसिमल्स है वो मैंने यहाँ पे लगा दिए, दो डेसिमल के पहले, 25 इंटू 10 इज 250, मैंने 15 को डिवाइड स्प्लिट कर दिया इंटू 10 एंड 5, सो 25 15 को स्प्लिट किया मैंने 10 प्लस 5 में, है ना, 250 प्लस 125 दैट इज 25 5 125 एंड 3.75 इसका आंसर आ गया मुझे, ठीक है, 3.75। तो 5 का ए इतना आएगा, बी इतना आएगा, अब 3.75 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/2 से, ठीक है ना, तो 5/2 को यही पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3.75 इंटू 5/2 मेरा सी आ जाएगा, ठीक है, 2 1 जा 2 पॉइंट, ठीक है, 2 8 जा 16, 2 7 जा और 2 5 जा, ठीक है, 2 1 जा 2 एक कैरी, 2 8 जा 16,
15 बचा, 2 7 जा 14, 10 बचा, 2 5 जा 10। अब इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 जा 25, 2 7 5 जा 35, 37, 3 8 5 जा 40, 43, 4, सो 9.5 1 जा 5 प्लस 4, 9.375 इज माय आंसर। इजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला, अ पर्सन एक्स फ्रॉम अ प्लेस ए एंड अनदर पर्सन वाई फ्रॉम अ प्लेस बी सेट आउट एट द सेम टाइम टू वॉक टूवर्ड्स ईच अदर। अब देखिए इसमें जो है ना इंपॉर्टेंट क्या है कि ऐसे क्वेश्चन जो है वो दिखने में लंबे होते हैं, लेकिन अगर हम सॉल्व करना चाहें उसे तो वो वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेपर कैसा होता है आजकल का कि इट सीम्स डिफिकल्ट बट इट इज एक्चुअली नॉट। Why? Because only a bit of logical explanation is needed to solve such kind of questions. But be rest assured that you can solve these questions even if you are not, understanding the basic concepts or formulas of time and distance. तो मैं आपको example देता हूँ कि मैं ये सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, मैं ये करके बताऊँगा। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया है कि sorry मेरी straight line थोड़ी टेढ़ी हो गई, ठीक है ना? A person X moves from a place A and another person Y moves from a place B, ठीक है? यहां से भाई y निकला है, यहां से x निकला है, एट द सेम टाइम, तो टाइम तो सेम है भाई, टू वॉक टूवर्ड्स ईच अदर, पैदल चल रहे हैं, ठीक है? द प्लेस इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, तो ये जो है 15 किलोमीटर पैदल चल रहे दोनों, वाह। x walks with a uniform speed of 1.5 किलोमीटर पर आवर, तो इनकी जो है यूनिफॉर्म स्पीड है 1.5 किलोमीटर पर आर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिट्स चेक करना कि दोनों के यूनिट्स क्या सिमिलर है। अगर यहाँ पे मीटर दे रखा होता तो हमें दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ पे सिमिलर है तो हमें कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है। यूपीएससी ने बहुत ही ईजी क्वेश्चन दिया हुआ है इसका मतलब तो। एंड वाई वॉक्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आर इन द फर्स्ट आर, फिर 1.25 किलोमीटर पर आर इन द सेकेंड आर, एंड विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1.5 किलोमीटर पर आर इन द थर्ड आर, एंड सो ऑन, ठीक है? तो पहले में क्या चल रहा है वो 1 किलोमीटर, फिर 1.25 चल रहा है, फिर 1.5 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है ना? अब ये मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दे टेक 5 आवर्स टू मीट। अब हम लोग इसे सीधा कंसीडर कर लेते हैं, ऑप्शंस को ही कंसीडर करते हैं, ठीक है ना? एग्जाम में याद रखने का जो या सॉल्व करने का तरीका ही है कि ऑप्शंस देखो एंड उस हिसाब से रिवर्स इंजीनियरिंग करो। अब रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब कैसे कि दे टेक 5 आवर्स टू मीट, मतलब अब मुझे ये तो बताए कि ए का तो यूनिफॉर्म स्पीड है भाई 1.5 किलोमीटर पर आर, 5 घंटे में वो कितना चल लेगा? सो 1.5 किलोमीटर पर आर इनटू 5 आवर्स। अब ये ध्यान में रखना कि मैंने मुझे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वगैरह ये सब मुझे नहीं भी अगर आता है तो सिंपल क्या करना है, मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो इनके यूनिट्स मैच कर लेना है। यूनिट्स मतलब क्या कि भाई यहाँ पे तो किलोमीटर डिवाइड बाय आर है, यहाँ पे आर है, तो ये अगर मुझे डिस्टेंस निकालना होगा तो मुझे किस यूनिट की जरूरत होगी, सिर्फ किलोमीटर की, तो मैं आर आर कैंसिल कर दूंगा, है ना? तो ऐसे भी अगर हमने ये भी निकाला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो कभी लाइफ में भूलना नहीं। अगर नहीं भी आता है तो भी हमने यूनिट के हिसाब से इसका फॉर्मूला भी बना लिया, ठीक है ना? अगर एक बंदा, इफ वन पर्सन इज ट्रेवलिंग 1.5 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ मच distance will he travel in 5 hours, so that means 1.5 kilometer into 5, that is 7.5 kilometer. Now the total distance is 15 kilometer in 5 hours, he is meeting in the midway, A to yahan tak pahunch gaya. Now let us see about B, theek hai? In the first hour he travels 1 kilometer, in the second hour he travels 1.5 kilometer, 1.25 kilometer, in the third hour he travels 1.5 kilometer, fourth hour 1.75 and fifth hour 2. Ab inka agar hum total kare to 0.75 is 1 and 0.5 is 1.5, that is 0.5 yahan pe aa gaya, 1 yahan pe aa gaya, theek hai? 5 plus 2 is 7, 7.5 aa gaya, are wah. तो ये दोनों एक तो बीच में मिल रहे हैं, है ना? और 7.5 किलोमीटर दोनों ही कवर कर रहे हैं, सो दैट मींस दे टेक 5 आवर्स टू मीट इज अ राइट क्वेश्चन, एंड दे मीट मिडवे, देखो इसमें ही आ गया कि भाई बीच में ही मिल रहा है, मतलब 27.5 किलोमीटर, सो बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट। सो इजी क्वेश्चन, यू डोंट इवन नीड टू नो द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे ही आ जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी पता है ना, देहाती तरीके से देसी जो हम हैं यहाँ के, कि भाई एक बंदा एक घंटे में 1.5 किलोमीटर चल रहा है तो 5 घंटे में वो कितने किलोमीटर चलेगा, इट इज एज सिंपल एज दैट, 1.5 इंटू 5, ठीक है? So now for South Indian friends,
if a, we don't have to apply formulas in such kind of questions. We just have to apply our mind, basic common sense. If a person walks 1.5 kilometers for an hour, how much will he walk if he walks 5 hours? That means 1.5 into 5 is the logic. Now, the next question is, a student appeared in 6 papers. Okay, 6 papers, theek hai, 6 paper hai bhai. The maximum marks are the same for each paper. Theek hai, maximum marks, so normally to 100 hi hota hai, consider kar lete, chalo 100. His marks in these papers are in the proportion of 5:6:7:8:9:10. Okay, 6 aa gaye 6 paper, uske hisab se marks bhi aa gaye. Theek hai, total hai 600, hai na? Jab 6 papers aayenge to total marks kitne ho jayenge? 600. Why? Because one paper maximum marks humne consider kiye 100, kyunki normally 100 hi hota hai, right? So obviously we'll consider 100. So 6 papers, 600. Now overall, he scored 60%. That means 60% of 600 is overall he scored 360 marks. Right? In how many number of papers did he score less than 60% of the maximum marks? That means 360 se kam. Hai na? 60% of the maximum marks, matlab 60 marks se kam, usse kitne papers mein mile. Theek hai? Now, we will see how to solve, how to approach such kind of questions. Now, ab hume ye to pata hai ki bhai, प्रोपोर्शन दिया हुआ है 5:6:7:8:9:10. ठीक है, अगर समझ लीजिए हमें हमारे पास टोटल 45 मार्क्स के होते, है ना, टोटल 45 मार्क्स अगर उसे मिले होंगे होते तो हिस्ट्री में समझ लीजिए 5 मार्क्स, ज्योग्राफी में 6 मार्क, ऐसे करके टोटल इसके 45 मार्क्स बन जाते, क्योंकि इसका जो टोटल है वो 45 है ना, 10+5+6+9+8+7=45. ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है कि टोटल मार्क्स जो है 45 तो है नहीं. They have told that overall he scored 60%. That means the proportion of these marks is 360. That means if we have to calculate the proportion, the marks in the first paper, like for example, okay, so what we'll do is we will take the first ratio and divide it with the total of the whole ratio. Total is 450. That is 5 divided by 450 into 45, sorry, 45, not 450, into 360. Why 360? Because हमें 360 के हिसाब से निकालना है ना, कि भाई उसे 5 रेशियो मिलते हैं 45 के हिसाब से, 360 में उसको कितने मिलेंगे? Now I will simplify it here. 5:45, अब 360 रेशियो is how much? Sorry, 360 यहाँ आएगा. 360 रेशियो is how much? है ना? तो अब यहाँ पे डिवाइड भी अगर हमने कर लिया तो x is will be equal to 5:360/45. यही मैंने यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट वे में. ठीक है, सो 5/45 एज आई नो इज 5 × 5 = 5, 9 × 9 = 940. ठीक है, तो जब ये 40 आ गया, सो 5 का इक्वेलेंट जब 40 हो गया तो इसका मतलब क्या है, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा इसे 8 से, इस रेशियो को, है ना. लोग कंसिडर करते हैं x, तो ये x की ही वैल्यू निकल गई जो कॉन्स्टेंट होता है. ठीक है ना, अब 5 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो पूरे रेशियो को मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दैट इज 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56, 8 × 8 = 64, 8 × 9 = 72, 8 × 10 = 80. अगर हमने इसका टोटल निकाला ना, 80 + 40 = 120. ठीक है, +48 + 72 = 120, +56 + 64 = 120. टोटल आ गया इसका 360. So that means हमें क्या पूछा है कि in how many papers, number of papers did he score less than 60% of the average, मतलब 60 marks से नीचे कितने papers में solve किया. So 1, 2, 3, 60 marks से ऊपर आ गया ना ये, क्योंकि total marks तो हमने कितने consider किए थे, 100 किए थे, इसीलिए हम ये तीन जो है, 3 is the right answer. I hope you are not having any doubts. अगर doubts आ रहे तो आप पूछ सकते हैं कभी भी, है ना, comment section में आप लिख सकते हैं, या अगर नहीं समझ आता है तो आप कभी भी हमारे offline office आ सकते हैं. ठीक है, अग्रवाल स्वीट्स के बगल में ही, आई कैन एक्सप्लेन यू. नाउ अ बॉय प्लेज विद अ बॉल एंड ही ड्रॉप्स इट फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर. ठीक है भाई, 1.5 मीटर की हाइट से उसने गिरा दिया. एवरी टाइम द बॉल हिट्स द ग्राउंड इट बाउंसेस बैक टू अटेन अ हाइट ऑफ 4/5 ऑफ द प्रीवियस हाइट. द बॉल डज नॉट बाउंस फर्दर इफ द प्रीवियस हाइट इज लेस देन 50 सेंटीमीटर. सो दैट मीन्स What is the number of times the ball hits the ground before the ball stops? अब हम लोग क्या करेंगे? Ball कभी भी गिरता है जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है ना? ऐसे समझ लीजिए मैं ही ball के साथ खेल रहा हूँ. A boy, that means Pratik. ठीक है? A boy, I'm playing with a ball and I'm dropping the ball from the height of 1.5 meter.
ठीक है, फर्स्ट टाइम ड्रॉप कर दिया, फिर ये सेकंड टाइम ड्रॉप कर दिया, मतलब ये बाउंस हो जाएगा फिर, है ना, थोड़े थोड़े इसमें कम कर दिया। अब उन्होंने बोला है कि 50 सेंटीमीटर से जब लेस आ जाएगी हाइट, टोटल हाइट यहाँ पे, तो वो बाउंस नहीं होगा। इसका मतलब है उसके पहले बाउंस होगा। दैट मीन्स फ्रॉम द हाइट ऑफ 1.5 मीटर, इफ आई एम ड्रॉपिंग द बॉल, द फर्स्ट बाउंस विल बी ऑफ 4/5 द हाइट ऑफ 1.5, दैट मीन्स 0.3, दैट इज 1.2, ऐसे समझ लीजिए, राइट? सो 1.2 आ गया। नाउ इट द सेकेंड टाइम व्हेन द बॉल बाउंसेस, इट विल बी 4/5 ऑफ 1.2, ठीक है, 0.2 फोर्स 24 फोर्स इज 1696, ठीक है ना, 0.96 पकड़ लीजिए, है ना। हम लोग इसे सेंटीमीटर पे कवर करते, तो ये जो हम लोग यहां से देखते हैं नया, ठीक है ना, फॉर कैलकुलेशन व्हाट विल डू इज विल कंसिडर दिस एज 150 सेंटीमीटर, दिस इज 120 सेंटीमीटर, नाउ दिस विल बी 96 सेंटीमीटर, बिकॉज ये 0.96 मीटर है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो 0.96 मीटर वुड बी 96 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ 96 सेंटीमीटर का भी 1/4 होगा यहाँ पे, तो 96 सॉरी 4/5 होगा, 4/5, 5 1 5, राइट, 46, 5 9 46, 0.2, 9 4 36, 3 76.8, 76.8 आ गया। नाउ अगेन 4/5, 76.8 इनटू 4/5, 5 1 5, 26, ठीक है, 5 5 25, 0.5 3 15, 15.36, सो 15.36 इनटू 4 इज 6 4 24, 2 4 3 12, 14 1 कैरी, 5 4 20, 21, 4 1 4, 2 कैरी, 61.44, 61.44। अब इसका भी 60 वील कंसिडर, ओके, 60 इफ वी कंसिडर, 4/5 इज 5 1 5 2, सो 12 4 48। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना, दिस विल बी द लास्ट बाउंस। सो द फर्स्ट फर्स्ट उन्होंने क्या पूछा, व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द बॉल हिट्स द ग्राउंड, तो एक, ये दो, ये तीन, ये चार, और ये, ठीक है, अब इसमें पांच, क्योंकि 49 आएगा, ये ऐसे पकड़ लीजिए, है ना। अगर 61.44 को भी हम ये करते हैं 4/5 कर लेते हैं, तो 49 ही आएगा, एंड दिस इज द लास्ट टाइम दैट इट इज टचिंग द ग्राउंड। दैट मीन्स कि ये फिफ्थ हो गया और ये सिक्स्थ हो गया, दैट मीन्स द आंसर विल बी 6। व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द बॉल हिट्स द ग्राउंड बिफोर द बॉल स्टॉप्स बाउंसिंग। सिंपल है, 4/5 4/5 निकालते रहना है, कब तक, जब तक 50 से नीचे ना आ जाए। एक बार जब 50 से नीचे आ गया, इसका मतलब वो बाउंस बैक करेगा ही नहीं, है ना, और 50 मतलब ये बाउंस हो रहा है, एक्चुअली वो 61 पे ही है, लेकिन जब वो बाउंस होने के बाद ऊपर जाएगा तो 49 तक जाएगा, अब वो बाउंस नहीं होगा, इसका मतलब है ये दिस इज द लास्ट टाइम दैट इट विल टच द ग्राउंड। सो दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द लास्ट, सो 1 2 3 4 5 6, सिंपल, नो फॉर्मूला, जस्ट बेसिक कॉमन सेंस। ये तो हम 4/5 बेसिक न्यूमरेसी जो मैं कहता हूँ ना, दिस इज द क्वेश्चन सॉल्विंग मेथड ऑफ बेसिक न्यूमरेसी, बेसिक कॉमन सेंस, क्रिटिकल थिंकिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटीजर्स आर लिस्टेड फ्रॉम 700 टू 1000, इन हाउ मेनी इंटीजर्स इज द सम ऑफ डिजिट्स 10, मतलब डिजिट का सम पूछा है उसने, 700 से 1000 तक है। तो बेसिक कंसेप्ट है कि भाई 7 + 3 = 10, आई नो दैट, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा 730, लेकिन इसका और एक मतलब भी हो सकता है 703, राइट। अब मुझे ये भी पता है 1 + 2 = 1 + 2 + 7 = 10, तो 7 + 1 + 2, 712 आ गया, 721 आ गया इसका, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने, मेरे को ये पता है कि अब 73 तो नहीं आएगा, 1 भी आएगा, 0 भी नहीं आएगा, है ना। नाउ आफ्टर 730 आई विल गो टू 8, ठीक है, आई नो दैट 8 + 2 = 10, सो 8 2 0 8 0 2, आई नो दिस मच, 8 1 1 तो होगा नहीं, Why? Because this, how many digits? हाँ, 811 होगा, one, लेकिन ये एक ही बार आएगा, है ना, 811, now 9, 901 and 910, so the total number is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 is my answer, simple, pure logic से मैंने निकाला है। दिस इज द क्वेश्चन जिसमें हमें थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है, व्हाई, बिकॉज वी नो, वी डोंट नो द कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। अब यहाँ पे साइक्लिसिटी का कंसेप्ट सिंपल है, देखो, अब मुझे एक बात बताओ, 3 का टू द पावर 2019
निकाला है। ये तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं, कैलकुलेटर से भी पॉसिबल नहीं है कि भाई ये निकाल सके, है ना। 3 to the power 2019 कौन निकाल दे बैठेगा। तो इसके लिए क्या है, वी हैव द कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। व्हाट डज इट से, इट सेज दैट फॉर एग्जांपल इफ 3 to the power 0 इज 1, वी नो दैट, ओके। तो 3 to the power 0 हम वैसे भी कंसिडर नहीं करते, 3 का जो स्क्वायर है ना वो हम कंसिडर करते हैं, 3 square is 9, ठीक है। 3 to the power 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 3 to the power 1 is 3, 3 square is 9, 3 cube is 27, excuse me, 3 to the power 4 is 81, ठीक है ना। 3 3s are 9, 3s are 27, 3s are 81. Now 3 to the power 5 is 7, 29, ठीक है, 81, sorry, 7, 243, है ना। Now 3 to the power 6 is 7, 29. अब क्या है, 3 to the power 1 is 3, इतना पता है हमें, फिर से 9 आ गया यूनिट प्लेस पे, फिर से 7 आ गया यूनिट प्लेस पे, फिर से 1 आ गया। अब यहाँ पे जब हम देखेंगे 3 to the power 5 जब आएगा तो फिर से 3 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, फिर से 9 आ रहा है, फिर से 7 आएगा। 3 to the power 7 आप करेंगे तो फिर से 7 आ जाएगा, आई थिंक 6 2 2 7 है। एंड 3 to the power 8 भी अगर आप करेंगे तो भी फिर से 1 आएगा, बिकॉज 7 into 3 अगर यूनिट प्लेस पे भी मल्टीप्लाई किया ना हमने तो 7 3 21, तो 1 आएगा यूनिट प्लेस पे। इसका मतलब क्या है, इसकी जो साइक्लिसिटी है of the units, that is 4. This is known as the concept of cyclicity. Now when we divide the square, या फिर 3 to the power 2019, हमें क्या करना है, इसकी cyclicity पे से divide कर देना है, 4 5s are 4 0s are 4 4s are 16, ठीक है। बचा कितना, 3 बचा। अब 3 जो बचा इसका मतलब क्या है, अब remainder क्या बचा यहाँ पे, 3, इसका मतलब क्या है, हमें 3 क्यूब वाला जो स्पेस है वो लेना चाहिए क्योंकि 3 आया है, राइट। ये जो है 3 to the power 3 आ गया, 3 to the power 3 is 27. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू डिवाइड दिस 27 by 10. 27 को हमने 10 से डिवाइड किया, 10 2s are, और बचा कितना, 7, सो द रिमाइंडर विल बी 7. इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है अगर आपको साइक्लिसिटी का कंसेप्ट नहीं पता है तो, ठीक है। नाउ नंबर, नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर 3 7 9 8 1 2 5 T 3 6 9 इज डिविजिबल बाय 7. नाउ वी नो दैट दिस इज डिविजिबल बाय 7. ओके भाई, बहुत सारे लोग अब पूछेंगे कि डिविजिबिलिटी भी सबको लर्न करना होगा क्या, नहीं जरूरत नहीं, बिल्कुल, ये मैं बताऊंगा कैसे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिजिट P? अब इसको हम डिवाइड करते हैं सीधा, ठीक है। मुझे ये पता है कि यहां तक के तो मैं डिवाइड कर सकता हूं एटलीस्ट P तक, है ना। तो 3 7 9 8 1 2 5 डिवाइड बाय 7 इज 7 5s are 35, 29 बचा, 7 4s are 28, 18 बचा, ठीक है, 7 2s are 14, 41 बचा, 7 5s are 35, 62 बचा, ठीक है, 62 मतलब 7 8s are 56, 65 बचा, 7 9s are 63, अब बचा कितना, 2. तो मैं ये सारा जो नंबर्स है इसे मैं भूल जाऊंगा सिंपल, क्योंकि रिमेनिंग क्या होता है, 2. तो मुझे क्या इंपॉर्टेंट है कि 2P369 ये डिवाइड हो जाए 7 से, भाई मुझे बाकी नंबर से कोई लेना देना नहीं है, मैं इनको डिलीट कर दूंगा बिल्कुल ऐसे पेपर में ही, कि भाई मुझे दिमाग ही ना लगाना पड़े इन सब चीजों में, ठीक है, ऐसे ही करना पड़ेगा वरना हमें हम कंफ्यूज होते रहेंगे, राइट। अब मैं इस P में कौन सी वैल्यू पुटअप करूंगा जब जो मुझे 7 से डिविजिबल मिलेगी, तो अगर मैं 1 करता हूं पुट 21369 तो क्या मुझे डिविजिबल होगा ये, 7 3s are 21, 7 5s are 35, 19 बचते हैं, तो ये तो 1 तो डेफिनेटली नहीं है। अब 6 से जाऊंगा 2 6 3 6 9 डिवाइड बाय 7, 7 3s are 21, 53, है ना, 7 7s are 49, 53 46 बचा, 7 6s are 42, 42 और 46 minus 42 is 49 बचा, तो 7 7 is 49, 6 is my answer, बस सिंपल। कितना टाइम लग गया हमें, ना हमें कोई डिविजिबिलिटी लर्न करने की जरूरत पड़ी, ना कुछ भी, सिंपल क्रिटिकल थिंकिंग से, बेसिक कॉमन सेंस से क्या करना है, बस एडिशन डिविजन मल्टीप्लिकेशन यही तो करना है, और कुछ ना कुछ करके आंसर निकल जाएगा। बस हमें बेसिक कॉमन सेंस और कॉन्सेंट्रेशन हाई लेवल का प्रेजेंट होना चाहिए, कोई भी आंसर हमें, मतलब आंसर आगे ही दिखा होता है और हमें पता होता है कि वो आंसर आ जाएगा अपने आप ही, बस हमें क्या करना होता है, जो क्वेश्चंस वहां पे दिए, व्हाट वी हैव टू डू इज व्हाटएवर क्वेश्चन दैट इज बीन आस्क्ड, वी हैव टू रीड द क्वेश्चंस कंसेप्चुअली, वी हैव टू रीड द क्वेश्चंस क्लियरली विद प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। अगर हमने क्वेश्चंस रीड किया अच्छे से तो हमारा आराम से आंसर निकल जाएगा, वहां पे कुछ ना कुछ तो ट्रिक निकल ही जाती है, ठीक है। दैट इज वेयर माई रोल कम्स इन, आई विल बी देयर
टू यू नो शार्पन दो स्किल्स कि कैसे हम लोग क्वेश्चन सोच के विदाउट फॉर्मूला हम लोग आंसर्स निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें मैं फॉर्मूला के साथ भी बता सकता हूँ, लेकिन क्या है पहली जीएस पेपर वन में इतना सब है लर्न करने के लिए कि आपको मतलब जीएस पेपर टू का भी लर्न करो फॉर्मूलाज, और वो भी किस लिए, सिर्फ 66 मार्क्स के लिए। आई डोंट थिंक दैट इज वेरी यू नो लॉजिकल एज अ एज एन एस्पिरेंट। सो दिस इज वेर आई कम इन, वेर आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन। अब ये देखो भाई, खतरनाक क्वेश्चन, दिखने में खतरनाक है ना, ऐसे क्वेश्चन जो है इन्हें कहेंगे हम सीम्स डिफिकल्ट, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन। इसमें भी फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल ट्रस्ट मी। क्वेश्चन पढ़ेंगे चलो, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट से। फ्रॉम जनवरी 1, 2021 द प्राइस ऑफ पेट्रोल इन रुपीज पर लीटर, ठीक है, ऑब्वियसली रुपीज पर लीटर ही होता है पेट्रोल का प्राइस, है ना, 1 जनवरी से ऑन एंथ डे, एम्थ डे, ठीक है, एम इज 80 plus 0.1 m, वेर m इज इक्वल टू 1 to 3 up to 100, ठीक है, एंड भाई मैक्सिमम इसका 100 है, एंड देयर आफ्टर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मतलब कि 100 डेज के बाद में, 3 महीने के बाद में, ऐसे पकड़ लो 3 महीने 10 दिन के बाद में, ये जो पेट्रोल का दाम है वो कॉन्स्टेंट होने वाला है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द प्राइस ऑफ डीजल, दूसरा डीजल का प्राइस इन रुपीज पर लीटर ऑन nth डे, nth डे, ठीक है, ऑफ 2021 इज 69 plus 0.15 n फॉर एनी n, तो ठीक है भाई, इसका कोई दिया नहीं है मैक्सिमम, ठीक है, और इसमें कोई कॉन्स्टेंट भी नहीं दे रखा है, ठीक है भाई। ऑन विच डेट इज द ईयर 2021, इन द ईयर 2021 आर द प्राइसेस ऑफ दीज टू फ्यूल्स इक्वल, ठीक है, तो दोनों के फ्यूल के प्राइसेस इक्वल बताया आपने। ऑप्शंस देख लेते हैं, 21 में, 20 में, 19 में, 18 में, ठीक है भैया। फर्स्ट थिंग, नाउ व्हाट द प्राइस ऑफ द पेट्रोल वाज गिवन फ्रॉम जनवरी 1, 2021, एंड इन द ऑप्शंस वी हैव मे, तो हमें क्या करना है कि जनवरी 1 से लेके मे तक जितने भी डेज होते हैं उतना कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। जनवरी 1 में कितना है, 31 डेज थे, 20, ठीक है, 28 डेज क्योंकि लीप ईयर नहीं है, फिर 30 डेज, 31 डेज अगेन, एंड देन 30 डेज, इसका मतलब क्या है, 8 plus 2 is 10, ये अप्रैल तक आ गया, ठीक है ना, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, ठीक है, 10, 1 कैरी, 6, 7, प्लस 3, 10, 12, 120, ठीक है, और 18 अगर में होगा तो प्लस 18 करेंगे इसमें, है ना, 138, 139th डे, 148 डे एंड 141 डे, क्यों, क्योंकि 18, 19, 20 और 21 ये दे रखा है, ठीक है। अब मुझे इतना पता है कि 100 डेज के बाद में मेरा पेट्रोल का प्राइस तो 80 plus 0.1 into 100 होगा, 0.1 into 100 is 10, so maximum क्या जाएगा इसका, 80 plus 10 that is 90, so 90 rupees is my is the price of my petrol on 141st day also, क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि 100 day के बाद में it remains constant, thereafter it remains constant after 100 days, so even on this on these dates the price of the petrol would be constant, that is 90 rupees. Now nth day हमको पूछा है कि भाई कौन सा डे आएगा जिसमें ये जो प्राइस है, that is 69 plus 0.15 n is equal to 90 होगा। अब मुझे क्या करना है, it is as बहुत ही सिंपल है यार, 69 plus कितना होता है 21, है ना, is 90, 69 plus 0.15 n is equal to 69 plus 21, है ना, क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, on which date are the prices of these two fuels equal, that is ये दोनों 90 आएंगे, तो 69 69 ऐसे ही कट हो गया, है ना, 0.15 n is equal to 21, so n is equal to 21 divided by 15 into 100, क्यों, क्योंकि 0.15 is equal to 15 upon 100, है ना, तो उधर साइड ले गए तो 100 upon 15, so 5 3s are 5 20s are 3 7s are 7 into 2 that is 140, हमारा आ गया भाई 140 days वाला कौन सा था ये, तो मतलब 18 19 20 और 21 में से 20 में इज आवर आंसर। इट इज सिंपल था, बस हमें दो इक्वेशन की वैल्यू ऐड करनी थी, और वो भी ऐड नहीं करनी थी, हमें ये पता था कि 69, वी ऑलरेडी न्यू दैट 69 plus 0.15 n वुड बी इक्वल टू 90, बिकॉज आफ्टर 100 डेज द प्राइस ऑफ द पेट्रोल वाज टू बी रिमेन कांस्टेंट, दैट इज 90 रुपीज, सो वी जस्ट हैड टू इक्वेट दीज टर्म्स। आई एम श्योर यू आर लाइकिंग दीज कॉन्सेप्ट्स इजिएस्ट वेज, एंड इतना टाइम होता है क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम में
because of the pressure, we don't feel that we can solve such kind of questions. But if you can see, I have not even used any formula. I have just read the question and I have solved the question according to the matter that is given in the sentence, and I got the answer. ठीक है ना, इतना इजी होता है. Now, a biology class at high school predicted that a local population of animals will double in size every 12 year. Okay भाई, 12 साल में ये डबल हो रही है. The population at the beginning of the year 2021 was estimated to be 50 animals. Okay, तो 2021 के स्टार्टिंग में 50 एनिमल होने वाले हैं. ठीक है, इफ पी रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन आफ्टर एन इयर्स, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट द मॉडल ऑफ द क्लास ऑफ द पॉपुलेशन. नाउ सी व्हाट दे हैव आस्क्ड इज कि इन चारों में से कौन सा इक्वेशन का मॉडल बनेगा. कौन सा इक्वेशन क्या है कि हर 12 इयर्स में पॉपुलेशन डबल हो रहा है. दैट मीन्स इन फर्स्ट 12 इयर्स 50 विल बी द पॉपुलेशन, इन सेकेंड 12 इयर्स 100 विल बी द पॉपुलेशन. यही तो कहा है ना, मतलब 24 साल में इन फर्स्ट 12 इयर्स 100 विल बी द पॉपुलेशन. ठीक है ना, इन नेक्स्ट 12 इयर्स 200 विल बी द पॉपुलेशन, मतलब 24 साल में 200 होगी पॉपुलेशन. देन इन नेक्स्ट 12 इयर्स 400 विल बी द पॉपुलेशन. दैट मीन्स वी जस्ट हैव टू पुट दिस इन दीज इक्वेशंस. और एन मतलब क्या है, एन इज 12 इयर्स, क्योंकि एन की वैल्यू फर्स्ट दी है 12 इयर्स. यहां पे आता है 12 इयर्स, यहां पे आता है 24 इयर्स. व्हाई, बिकॉज 12 प्लस 12 इज 24. सो दिस पॉपुलेशन इज आफ्टर 24 इयर्स एंड दिस पॉपुलेशन इज आफ्टर 36 इयर्स. व्हाई, बिकॉज 12 प्लस 12 प्लस 12 इज 36 इयर्स. सो नाउ व्हेन वी पुट दीज ऑप्शंस से इन द फर्स्ट, ठीक है, तो क्या हमारा ये हो रहा है, फर्स्ट 12 इयर्स में 15 टू 12 अगर हमने आप अभी किया तो 15 टू 12 तो बहुत आगे चले जाएगा, ये तो नहीं है. सेम सेकंड वाला है, थर्ड वाला भी सेम है. अगर 12 इंटू 12 कर लिया तो 144 हो जाएगा, 12 टू द पावर 144 तो ऑप्शन ही नहीं है. फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, 50, ये जो है 50, इसको मैं लिखूंगा 50 इंटू 1 है ना, या 2 टू द पावर 0 लिख सकता हूं, 2 टू द पावर 0. नाउ इसको मैं लिखूंगा 50 इंटू 2 टू द पावर 1, दैट इज 50 इंटू 2, दैट मीन्स 100. 50 इंटू 2 टू द पावर 2 and 50 into 2 to the power 3. Now when we see that यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, इसका मतलब क्या है कि when 12 is divided by 12 we get 1, when 24 is divided by 12 we get 2, when 36 is divided by 12 we get 3. So that means कि n का value अगर हमने every 12 years it is doubling, right? So in first year if we put in first 12 years, okay, if we put n value as 12, first 12 years, so 50 into 2 to the power 12 divided by 12, 50 into 2, that is 100. So this qualifies what is given in the question, 100 aa gaya. Same, agar 24 dalunga to 2 square aa jayega, 50 into 4 is 200. So this will be my answer. Very simple, just basic common sense, just I am reading the question and solving it. Isme koi formulas ki zarurat nahi hai, kisi bhi, क्या कहते हैं उसे, फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है. सिर्फ हमें क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन के हिसाब से हमें वैल्यूज अज्यूम करनी है. अगर नहीं अज्यूम कर सकते हैं तो हम लोग सिंपल सिंपल सॉल्व करके भी बेसिक कॉमन सेंस से आंसर निकाल सकते हैं. यू आर लुकिंग एट इट नाउ. इन अ क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया, 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल. ओके भाई, 100 लोग हैं, we'll assume 100 लोग हैं. 60% मतलब 60%, सेंट का मतलब क्या होता है 100, तो 60 डिवाइड बाय 100 है ना, तो 60 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में, 60 स्टूडेंट इंडिया के हैं और 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल. ओके ठीक है भाई, 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर, मतलब ये जो है 40 फॉरेन के हैं, ऐसे समझ लो ना, 50% स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो ये फॉरेन के भी हो सकते हैं, इंडिया के भी हो सकते हैं. इफ 30% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, दैट मीन्स 30% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, दैट मीन्स 30% ऑफ 60. सो 30% ऑफ 60 इज 30 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 60, दैट मीन्स 6 3 इज 18. So 18 girls, 18 are girls out of this. अब total girls कितने थे? 50%, मतलब 50 girls थे. उसमें से 18 जो है वो Indian girls है. तो minus 18 कर लूँगा Indian girls. मुझे क्या पूछा है? What percentage of foreign students are boys? Okay. अब यहाँ पे मैंने girls निकाल लिया, है ना? Total 50 girls है. India और foreign के मिला के, है ना? There are total 50 girls. Out of 15, when I subtract 18 Indian girls, I get 32. Okay, so out of 40, 32 are girls, foreign, and 8 are boys. These are foreign. Okay, now what am I asked?
व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स का परसेंट मतलब दिस 40, ये नीचे आएगा जब व्हाट लग जाता है ना किसी भी कंडीशन के ऊपर. सो दैट कंडीशन विल कम इन द डिनोमिनेटर. इसका परसेंटेज निकालना है. उन्होंने कहा इफ आई ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी, इट इज सेड दैट फॉरेन स्टूडेंट्स का कितना परसेंट फॉरेन बॉयज का है. तो फॉरेन बॉयज व्हेन गर्ल्स इज 32, बॉयज विल बी 8. सो फॉरेन स्टूडेंट्स का कितना परसेंटेज बॉयज का है, 8 बॉयज आउट ऑफ 40 फॉरेनर्स, दैट मींस इनटू 100, 4 टूज आर 20% इज द आंसर. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन. Now, a pie diagram shows the percentage distribution of proteins. ठीक है, तीन है. Proteins, water, and other dry elements in the body. Given that the proteins correspond to 60%, okay, ठीक है भाई लिख देते हैं. Proteins correspond to 16%. Water corresponds to 70%. अब तीसरा क्या बचा है? Other dry elements. ये कितना है? ठीक है, ये निकाल सकते हैं आराम से, है ना? क्योंकि तीन ही. There are only three parts of this pie chart, pie diagram, right? So 16 plus 70 is 86. Bacha kitna 14. So other dry fruits will be 14. If both proteins and other dry elements correspond to P percent, that means, see, 16 plus 14 is 30%. Simple P ki value aram se nikal gayi, hai na? So P percent is equal to 30%. What is the central angle? Now we know that this constitutes 360 degree. That is 100%. Unhone pucha hai 30% will be how much degree? सिंपल डिवाइड कर लिया, ये x की वैल्यू निकाल ली, ऐसे समझ लीजिए. ठीक है, x इज इक्वल टू 360 इनटू 30 डिवाइड बाय 100, ये गया 36 रीजा, 6 रीजा 18. जब 8 यूनिट में आया तो हमें कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल 108 मार्क कर देना है, क्यों टाइम वेस्ट करना कैलकुलेशन में, राइट? नाउ दिस जोसेफ विजिट्स द क्लब ऑन एवरी फिफ्थ डे. Harsh visits on every 24th day and Sumit visits on every 9th day. Now, every 5th day, every 24th day, every 9th day. Now, this, many people will say this is the problem of logical reasoning, but this is not a problem of logical reasoning. It is a problem of LCM. ठीक है ना? LCM क्यों? क्योंकि ये तीनों कभी ना कभी तो मिलेंगे, obviously. तो जब वो common point होगा, उसी को हम कहेंगे LCM, that is least common multiple. ठीक है? Now, if all three of them met at the club of Sunday, so that means they have already met. The first on it was the Sunday. Then on which day will all three of them meet again? So the next meeting time is asked, है ना? तो इसका LCM निकाल दिया 5 into 3. LCM कैसे निकालते पता है? मैं बता देता हूँ. ठीक है, अब 5 आ गया, 24 आ गया, 9 आ गया. ठीक है, 5 is 5 into 1, 24 is 3 into 3, 3 8 so 3 into 8 लिख लेते हम लोग. ठीक है, and this is 3 into 3. Now when these two are common, we don't have to take it alternatively. ठीक है ना? दोनों में से कोई एक लेना चाहिए हमें जहां पे कॉमन हो. 5 into और जो बचे हैं वो भी लेना है. That is 5 into 8 into 3 into 3 would be our LCM. ठीक है, मतलब इतने दिन बाद ये मिलेंगे. तो इसका मतलब क्या होता है कि 8 5 जा 45, 45 9 जा is 360 I guess. ठीक है ना? 9 5 जा 45, 45 8 जा 360. ठीक है, तो 360 ये मिलते हैं. ठीक है, अगर आपको मल्टीप्लीकेशन नहीं आता है तो मैं बता देता हूं. ठीक है, सिंपल सिंपल क्या करना है, 45 इंटू 8 5 40. ठीक है, 40 इंटू 9 इज 360 एलसीएम. गलती से मैंने 45 बोल दिया लेकिन दिमाग में 40 चल रहा था. ठीक है, 360 वॉज द राइट. अब 360 को मैं क्या करूंगा, आई विल डिवाइड इट बाय 7y बिकॉज अ वीक कंसिस्ट ऑफ 7 डेज, राइट? सो 7 5 35, 7 10, that is 7 1 7, बचे कितने, 3 दिन. So 357th day, मतलब जो first day होगा वो Sunday होगा, plus 3 days कर लीजिए, Monday, Tuesday, Wednesday. So Wednesday would be our answer, as exam में है भी. ठीक है, Monday, Tuesday, Wednesday, Wednesday is the answer, simple. Now the difference between two digit number and the number obtained by interchanging the positions of the digits is 54. Okay, difficult question according to everyone. The difference between two digit number, मतलब 10x plus y, ये two digit हो गया, है ना? अगर हम 11 लिखना है तो 11 को मैं कैसे लिखूंगा, 10 into 1 plus 1 is equal to 11, है ना? तो इसी को मैंने 10 into x plus y ऐसे लिख दिया. अगर मुझे 21 लिखना होता तो 10 into 2 plus 1 is equal to 21 ऐसे लिखता. इसीलिए that's why I am assuming कि two digit number would be this.
and the number obtained by interchanging the positions of the digits, that is ye digits ho gaye x aur y, to inka main ye kar dunga, interchange kar dunga, 10y plus x is 54. Now they have said that these difference is 54, that is 10x plus y minus 10y plus x is 54. ठीक है, तो इसका मतलब क्या, इसे मैं ये कर देता हूँ, 10x minus 10y plus y minus x is equal to 9x minus 9y is equal to 54, x minus y is equal to 96 54. ठीक है, अब the sum of two digits of a number can be determined only if the product of the two digits is known. ठीक है, अब only यहाँ पे लिखा है. ठीक है, now the difference between two digits of the number can be determined. Obviously difference तो यही पता चल गया है ना, solve करके the difference between two digits मतलब x minus y उन्होंने कह दिया, 6 मिल गया यहाँ पे. अब ये मुझे पता है कि x minus y 5 y जो है 6 कब कब आएगा, first 7 minus 1 है ना, तो अगर 17 या 71 लेते हैं तो आएगा है ना, दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या आएगा, 6. अब 8 माइनस 2 आल्सो इज इक्वल टू 6, दैट इज 82, और 28 ये दोनों भी हो सकते हैं, और 93 और 39, तो ये देयर विल बी 6 सॉरी 3 पेयर ऑफ डिजिट्स व्हिच कैन सूट, कि भाई इन दोनों का जो डिफरेंस है, अगर 71 माइनस 17 हम करते हैं तो 54 ही आएगा, 82 माइनस 28 भी 54 और 93 माइनस 39 भी 54 आएगा. व्हाई, बिकॉज़ x माइनस y, अब x माइनस y मतलब ऑब्वियसली 9 माइनस 3 तो करेंगे ही, तो 6 आएगा. नाउ यहां पे क्या पूछा है, द सम ऑफ टू डिजिट्स ऑफ अ नंबर कैन बी डिटरमाइंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज नोन. नहीं, जरूरी नहीं है, अगर प्रोडक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट दिया हो, चलो ठीक है मान लेते हैं कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट दिया हो तो ही पता चलेगा, लेकिन अगर इन दोनों में इन दोनों का रेशियो भी दिया हो, अगर कि द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज, अगर कहते हैं हम 31:13 अगर कहते हैं, तो भी तो हमें वैल्यू पता चल सकती है. सो दिस क्लेम इज डेफिनेटली रॉन्ग, दिस इज डेफिनेटली राइट, आंसर इज 2. समझ गए आप, तो हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, फॉर्मूला भी जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ हमें कंडीशंस देख के उसे एनालाइज करके आंसर निकालना होता है. आ गया, अब ये है प्रॉफिट एंड लॉस वाला. ठीक है, इफ अ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय 20%, इसमें क्या करना है, अज्यूम करना है सिंपल कि भाई 100 का खिलौना था कुछ है ना, 100 का एक पेन था, 100 के पेन को 20% डिक्रीज कर दिया मतलब 80 का बना दिया, एंड देन द न्यू प्राइस, ये जो न्यू प्राइस है इट इज इंक्रीज बाय 25%, 25% मतलब 1/4 है ना, इससे इंक्रीज कर दिया, मतलब 1/4 ऑफ 80 इज 20 है ना, तो नेट चेंज क्या आया, 0 ऑब्वियसली, कि भाई पहले तो डिक्रीज किया, क्या पूछा है, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 20%, सपोज द प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 100, इट इज डिक्रीज बाय 20%, दैट मींस 80, सिंपल है, 100 माइनस 80, 100 माइनस 20 इज 80, नाउ द न्यू प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 25%, दैट मींस 1/4 से इंक्रीज हो गया, 25% ऑफ 80 इज 20, सो 80 प्लस 20 इज 100, सेम आ गया दोनों का, तो नेट चेंज कितना आया, 0. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ सर्टेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7, कि भाई कोई इनमें से जो एक है इससे मल्टीप्लाई करा है हमने 7 से, द प्रोडक्ट ऑफ एंटायरली कंप्राइजेस ऑफ ओनली वंस ओनली, ठीक है कि भाई इनमें से किसी ने भी अगर 7 को मल्टीप्लाई किया तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो 1111111 ऐसे आएगा कोई, तो ठीक है. अब स्मॉलेस्ट सच नंबर पूछा है, इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा, पहले वो देखेंगे हम, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, वो है 15713, ठीक है भाई 15713. अब किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते टाइम हमें ये पता है कि उसका प्रोडक्ट 1 आएगा, तो कोई भी एडिशन 1 ही होना चाहिए, ये ध्यान में रखेंगे हम, ठीक है. तो हमने पहले यूनिट्स प्लेस को देखा, 7 3s are 21 2 7 1s are 7 प्लस 2 9, यहां पे 9 आया, ये नंबर कैंसिल क्योंकि हमें यहां पे 1 चाहिए ऑब्वियसली है ना. अब फिर से हमने 2 लिखा यहां पे, 15723 लिखा, इनटू 7 कर दिया, अब मुझे 157 की भी जरूरत नहीं है देखा जाए तो, ठीक है ना, मैं सिर्फ आखिरी के दो देखूंगा कि भाई 23 इनटू 7 अगर मैंने किया तो 7 3s are 21 2 7 2s are 14 16 आ गया, ये भी कैंसिल. अब मैंने 83 इनटू 7 किया, 7 3s are 21 2 8 7s are 56 58, ये भी 8 आ गया कैंसिल. अब 15873 आ गया,
ठीक है ना, 73 ले लिया फॉर एग्जांपल, 73 7s 73 21 2 7 7 49 51, ऑब्वियसली आ गया 51. अब जब ये दोनों 51 आ गए तो बाकी सब देखने की जरूरत ही नहीं है, है ना, डी विल बी द आंसर, सिंपल. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. सबसे पहला, अ मैन कंप्लीट 7/8 ऑफ द जॉब इन 21 डेज, हाउ मेनी मोर डेज इट विल टेक हिम टू फिनिश द जॉब इफ क्वांटम ऑफ वर्क इज फर्दर इंक्रीज बाय 50%. उन्होंने क्या बोला है कि 7/8 ऑफ द वर्क जो है ये 21 दिन में खत्म कर लेता है. हम मानते हैं, इसमें क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं, इसमें कंसेप्ट होता है एफिशिएंसी का. ठीक है, इसमें दो चीजें हमें याद रखनी होती है, सबसे पहले तो एफिशिएंसी और दूसरा जो है टोटल वर्क. ठीक है, हमें टोटल वर्क जो है ये अज्यूम करना होता है. अगर हमने ये अज्यूम करना आ गया हमें तो आपको ये क्वेश्चन आराम से आ जाएगा. ठीक है, हम अब अज्यूम करते हैं कि ये जो है टोटल वर्क, हम अज्यूम करते हैं कि एक मिनट, 7/8 ऑफ द जॉब इसने कंप्लीट किया 21 डेज में, तो ऐसे समझ लीजिए जॉब जो है ये 7, ठीक है, 8 3 24 आ गया. तो जॉब जो है 24 टाइम्स है, समझ लीजिए किसी ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स है या फिर 24 खिलौने वो बेच रहा है, कुछ भी हम वर्क कंसिडर कर सकते हैं, 74 लीटर भर रहा है कहीं पानी, वो ऐसे ही कंसिडर कर लेते. तो टोटल वर्क वुड बी 24, ये हमने अज्यूम किया है. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 7/8 ऑफ द जॉब, सो 7/8 ऑफ 24 वो 21 दिन में खत्म कर रहा है. तो 7/8 मतलब 8 3 24, 21 वर्क वो 21 दिन में खत्म कर रहा है. सो यहां पे एफिशिएंसी मतलब क्या होता है कि उसने कितना वर्क कंप्लीट किया कितने दिन में, इज इक्वल टू एफिशिएंसी. एफिशिएंसी वर्क मतलब इज 21 वर्क उसने कंप्लीट किया 21 डेज में, इसका मतलब उसकी जो एफिशिएंसी है वो है 1. ठीक है, तो यहां पे जो है 21 वर्क जो है वो कंप्लीट कर रहा है 21 डेज में. यहां पे दिया हुआ है 7/8 ऑफ द जॉब मतलब 7/8 ऑफ 24 इज 21, 21 डेज में, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाती है, 1. हाउ मेनी मोर डेज इट विल टेक हिम टू फिनिश द जॉब इफ द क्वांटम ऑफ वर्क इज फर्दर इंक्रीज बाय 50%. तो क्वांटम ऑफ वर्क कितना था, 24 को फर्दर इंक्रीज किया है 50% से, तो 24 का 50% कितना होता है, हाफ, दैट मींस 12. तो टोटल वर्क कितना हो गया, 36. अगर वो एक दिन में एक W कंप्लीट करता है, एक काम करता है, तो 36 काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे, 36 डेज लगेंगे. सो 36 डेज जो है कितने एडिशनल डेज वो लेगा, सो हाउ मेनी मोर डेज इसने कहा है, तो 36 माइनस 21 इज, पहले वो 21 डेज लेता था, अब 15 एक्स्ट्रा डेज ले रहा है वो, दैट मींस 15 इज द आंसर. तो इसमें किसकी, कुछ कुछ लोगों को डिफिकल्टी होगी समझने में, तो ये मैं आपको ग्रेजुअली सिखाऊंगा. अगर आप क्लास करने आएंगे तो ये बताऊंगा कि टोटल वर्क कैसे अज्यूम करते हैं, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल डेज कैसे निकालते हैं. लेकिन अगर आपको ये कंसेप्ट आ गया ना, ट्रस्ट मी, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए आप आराम से सॉल्व करेंगे. सिर्फ दो चीजें हमें याद रखनी होती है, एक तो टोटल वर्क और दूसरा एफिशिएंसी, बस खत्म. ये जो टाइम एंड वर्क का जो है ये इसी का गेम है. नाउ देयर आर 3 पॉइंट्स पी क्यू आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन. भाई स्ट्रेट लाइन है, पी क्यू आर है, पी क्यू आर सच दैट पी क्यू टू क्यू आर इज 3:5. तो पी क्यू टू क्यू आर इज 3:5. इफ एन इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी क्यू इज टू पी आर, देन व्हाट इज एन इक्वल टू. अब हाँ, यहाँ पे एक मिस्टेक लोग करते हैं कि यहाँ पे ये तो नहीं बोला है कि क्यू आर के बाद में आता है, हो सकता है आर क्यू के पहले आए, है ना. तो अगर आर क्यू के पहले आता है तो पी क्यू आर, अगर हम लेते हैं पी क्यू आर, तो पी क्यू इज टू पी आर मतलब ये जो है एक मिनट, पी क्यू इज टू क्यू आर, तो क्यू यहां पे लेना पड़ेगा हमें और पी यहां पे लेना पड़ेगा और आर यहां पे लेना पड़ेगा, रीजन में बताऊंगा. ठीक है ना, तो मैं यहां पे फिर से बनाता हूं, क्यू पी यहां पे ले लिया और आर यहां पे ले लिया. अब यहां पे उन्होंने क्या बोला है, आर सॉरी, अब यहां पे उन्होंने क्या बोला है कि क्यू आर जो है वो 5 है और PQ जो है वो 3 है, ये इतना सा है ना. तो अगर हम ये लेते तो वो गलत हो जाता ना, क्योंकि QR यहाँ पे ले लेता मैं तो वो 5 हो ही नहीं सकता था, राइट. तो इसीलिए मुझे ऐसे लेना पड़ा. तो एक तो PQR ऐसे हो सकता है कि PQ is to QR 3:5 हो, या तो PQ is to QR 3:5 हो. इफ
एन इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी क्यू इज टू पी आर, मतलब पी क्यू इज टू पी आर की एन पॉसिबल वैल्यू है, तो पी क्यू इज टू पी आर क्या आ सकता है, यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें पी क्यू मतलब थ्री इज टू पी आर मतलब थ्री बाय टू आ सकता है, बिकॉज फाइव माइनस थ्री इज यहाँ पे टू है ना, और यहाँ पे है पी क्यू इज टू पी आर मतलब पी क्यू इज थ्री पी आर इज फाइव प्लस थ्री इज एट, दैट मीन्स थ्री बाय टू और थ्री बाय एट, ये दो पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगे, तो इसका मतलब आंसर इसका क्या होगा टू। कोई भी इसमें मैंने फॉर्मूला यूज नहीं किया, सिर्फ मैंने पॉसिबल पॉसिबिलिटीज निकाली है, ठीक है ना, क्वेश्चन देखा है क्वेश्चन के हिसाब से पॉसिबिलिटीज निकाली है एंड दैट्स इट। अब ये चेस बोर्ड, अब बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा कि भाई चेस बोर्ड पूछ लिया तो इसका ग्रिड पैटर्न तो हमें पता ही नहीं, सिंपल था, हम लोग चेस तो खेलते ही है, राजा रानी बीच में होती है, तीन लोग यहाँ पे होते हैं है ना, ऊंट घोड़ा और हाथी, ठीक है, ऊंट घोड़ा और हाथी, ठीक है, ये तीन आ गए। अब मतलब क्या है, राजा रानी और ये तीन प्लस तीन इज टोटल इज एट, तो इसका मतलब है एट बाय एट का ग्रेड होता है, ऐसे पकड़ लिया हमने, तो एट बाय एट के ग्रेड में इन्होंने क्या पूछा है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन सिक्स कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर्स, तो हम अगर ऐसे पकड़ ले, ठीक है ना, एक दो तीन चार पांच छ, एक दो तीन चार पांच छ सात और एक आठ, ऐसे पकड़ लिया हमने, और एक दो तीन चार पांच छ सात और एक आठ, ठीक है, तो ये एक आ गया, ये एक आ गया, ये एक आ गया, चार पांच छ सात और आठ, क्योंकि ये पूरा आएगा एट बाय एट का है ना। तो अब देखना हमें क्या कहा है उन्होंने कि डायगोनल्स पूछा है, कैन बी चूजन ऑन द डायगोनल, सो दैट मीन सिक्स कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, या तो हम ये सिक्स ले सकते हैं, या तो हम फर्स्ट टू छोड़ के बीच वाले सिक्स ले सकते हैं, या तो हम लास्ट टू छोड़ के ये वाले छोड़ के यहां से सिक्स ले सकते हैं, ठीक है ना, तो ये जो डायगोनल्स है उसमें लेने के मतलब द प्रोबेबिलिटी और द अरेंजमेंट ऑफ चूजिंग कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर्स ऑन द डायगोनल इज थ्री, वाई, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग दिस ऑल्सो, वेन वी कंसिडर वन सेकेंड, वेन वी कंसिडर दिस देन दीज टू विल नॉट बी कंसिडर, दीज टू विल नॉट बी कंसिडर, राइट, वेन वी डू नॉट कंसिडर दीज टू तो बीच वाले सिक्स हम लोग लेंगे, और जब हम लास्ट टू नहीं कंसिडर करेंगे तो ऊपर के सिक्स लेंगे हम, तो इसका मतलब थ्री, एक डायगोनल पे थ्री हो गया, दूसरे डायगोनल पे और तीन आ गए, इसके अलावा तो कोई डायगोनल होती नहीं है, थ्री प्लस थ्री इज सिक्स, इट इज द आंसर इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, सिक्स डिफरेंट वेज। अब इसमें क्या तुम प्रोबेबिलिटी निकालोगे, क्या परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन निकालोगे, मुझे पता नहीं, मुझे बस चेस का आइडिया था, बचपन में खेलता था, ठीक है, मुझे इतना पता था कि भाई एट बाय एट का चेस होता है, नहीं भी पता है अगर तो हमें इतना तो पता है कि भाई दो रानी होती है, फिर घोड़ा ऊंट राजा सॉरी घोड़ा ऊंट और हाथी तीन होते हैं, है ना, सो इससे हम एट बाय एट का ग्रिड पता कर सकते हैं, सिंपल। नाउ द सम ऑफ फाइव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कैन बी 100, ऑब्वियसली व्हाई, बिकॉज व्हेन वी सी 100 डिवाइड बाय 5 वी गेट 20, तो अगर हमने कंसिडर किया 18, 19, 20, 21, 22, आ गया भाई 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर 100, राइट है ये। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर कैन बी इक्वल टू देयर सम, दैट मींस 1 प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर 1 टू 3 ले लेते हैं, सबसे बेसिक वाला प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर 3 टू 6 कैन बी देयर सम, 1 प्लस 2 प्लस 3 इज 6, ऑब्वियसली 1 इंटू 2 इंटू 3 इज 1 प्लस 2 प्लस 3 is 6, yes, the product of 3 consecutive natural numbers can be equal to their sum, yes, can aa gaya na, to dono mein se dono condition satisfy ho gayi, c is the answer, simple. Now a cubical vessel of 1 meter is filled completely with water, theek hai bhai, cube bana liya vessel hai, theek hai, how many milliliters of water is contained in it, itna easy question, sirf liter ko milliliter mein convert karna hai, iska cube kya aayega, ab cube kabhi bhi aise hota hai, बहुत सालों बाद निकाल रहा हूं मैं क्यूब, ठीक है, ये हो गया क्यूब, अब ये क्यूब है, ये मैंने ऊपर से देख रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये नीचे ये वाला बेस है, ये वाला, ठीक है, ये भी 1 मीटर क्यूब है, ये भी 1 मीटर है, और ये भी 1 है, क्यूबिकल वेसल ऑफ साइड 1 मीटर, तो क्यूब में आपको पता होगा कि तीनों साइड इक्वल होते हैं, तो 1 1 1, तो 1 into 1 क्यूब का जो वॉल्यूम है वो साइड क्यूब होता है, तो 1 into 1 into 1 इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। अब मुझे ये पता है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आता है, ठीक है ना, ये अगर नहीं पता है तो फिर तो भाई अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर ये तो अब 8th 9th में पढ़ाया था, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी पढ़ लो कि 1 मीटर क्यूब का जो
वेसल होता है उसमें 1000 लीटर हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। अब हाउ मेनी मिली लीटर्स उन्होंने पूछा है, तो 1000 लीटर इंटू 1000, बिकॉज मिली मिली का मतलब होता है ऐसे, या फिर 10 to the power minus, डिवाइड करेंगे ना इसे, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो एम एल होगा, है ना। क्योंकि अगर 1 meter है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 100 सेंटीमीटर होता है, वैसे ही अगर 1 liter है तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 1000 ml बनेगा, वैसे ही 1000 लीटर अगर होगा तो 10 to the power 3 into 10 to the power 3 मतलब 10 to the power 6, और इसमें 1 2 3 4 5 6 ये है आंसर। और इसमें अगर नहीं भी आता ना तो लॉजिकली सॉल्व कर सकते थे, 1 मीटर तो आपको पता ही होगा कितना होता है, 1 मीटर कम से कम इतना होता है, ठीक है ना। अगर इतना भी आपको पता है कि भाई 1 मीटर इतना बड़ा होगा तो ऑब्वियसली अगर मिलीलीटर में हम कंसिडर करेंगे तो 1000 मिलीलीटर तो होगा नहीं, क्योंकि 1 मीटर की बात कर रहे हैं वो और क्यूब की बात कर रहे हैं। और सेकेंड लॉजिक हम इसमें ये ले सकते हैं कि क्यूब है तो 10 टू द पावर 3 ही होगा, तो या तो ये होगा 10 क्यूब, या तो 10 टू द पावर 6 होगा, तो ये 10 टू द पावर 4 है ये तो आएगा ही नहीं क्यूब में, और ये 10 टू द पावर 5 है ये भी आएगा नहीं, तो ये तो डेफिनेटली कैंसिल हो गया और ये लॉजिक से कैंसिल हो गया, आंसर इज दिस। मुझे तो ये सब भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, समझ रहे ना। तो ये बेसिक कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक कॉमन सेंस। अब इसमें क्या आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लोगे मुझे नहीं पता भाई, ठीक है। अब देयर आर 6 पर्संस अरेंज्ड इन अ रो, it is saying another person has to shake hands with 3 of them and so that he should not shake hands with 2 consecutive person, ठीक है। अब लोग कहेंगे ये permutation combination का है या फिर probability का है, probability तो नहीं permutation combination का है, लेकिन मुझे नहीं लगता, ये simple logic है, मैं यहाँ पे हूँ मुझे shake hand करना है 6 लोगों का, 1 2 3 4 5 6 बना लिया यहाँ पे question paper में बना लिया simple, ठीक है। another person has to shake hands with 3 of them, 3 में से करना है, so that He should not shake hands with 2 consecutive person. तो 2 side by side वालों से shake hand नहीं करना है, तो मैं पहले इससे shake hand करूंगा, अगर इससे करूंगा तो इससे नहीं कर पाऊंगा, इससे कर लूंगा, अगर इससे करूंगा तो इससे नहीं कर पाऊंगा तो इससे कर सकता हूँ, या मैं इससे करूंगा और इससे कर सकता हूँ, या फिर मैं इससे करूंगा इन दोनों को ड्रॉप कर दूंगा, इससे करूंगा shake hand और साइड में तो कर नहीं सकता, इससे करूंगा, ये 3 हो गए। अगर मैं इससे करता हूँ shake hand डायरेक्टली तो मुझे यहाँ पे भी करना होगा, मतलब ये ऐसे पकड़ लो तुम, ठीक है ना। तो मैं इन लोगों को कंसिडर नहीं कर रहा हूं, तो इसका मतलब है ये 3 कॉम्बिनेशन ही है मेरे पास, लेकिन अगर मैं सेकंड से फर्स्ट को स्किप कर देता हूं, अगर मैं सेकंड से स्टार्ट करता हूं तो मेरे पास ये तो मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, ये यूज कर सकता हूं, है ना, इसको करूंगा शेक हैंड और इससे करूंगा शेक हैंड। अब इसके अलावा मैं इससे कर सकता हूं क्या, नहीं, बीच में ड्रॉप नहीं कर सकता, थर्ड से जा सकता हूं, अगर थर्ड से जाता हूं तो मुझे इससे करना पड़ेगा और इससे करना पड़ेगा, ऑलरेडी है मेरे पास में, तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास सिर्फ 4 ही ऑप्शन है, 1 2 3 और 4, कितना भी कर लो आंसर आ गया। अब इसमें परम्यूटेशन का क्या फॉर्मूला लगा लोगे आप, सिंपल मैंने कॉम्बिनेशन देखा टिक करके, वो भी पेन और पेंसिल से, है ना, लॉजिकल सॉल्व किया मैंने बेसिक कॉमन सेंस से, इसमें कोई फॉर्मूला मैंने यूज नहीं किया। अब देखिए, एन अमाउंट ऑफ मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी एंड सी इन द रेशियो पी क्यू आर, ठीक है भाई, पी क्यू आर से मैंने डाल दिया, ऐसे समझ लेते हैं हम 1:2, 2:3 से हमने कर दिया, अज्यूम कर देना क्यों ज्यादा दिमाग खर्च करना, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है, कंसिडर करने कहा है, ए गेट्स द मैक्सिमम शेयर इफ पी इज ग्रेटर देन क्यू प्लस आर, तो क्यू और R यहाँ पे है और P यहाँ पे है, ठीक है। अगर P ग्रेटर होता है Q प्लस R से, तो मतलब मुझे P Q प्लस R से ग्रेटर करना होगा, तो मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 और यहाँ पे मैं लिखूंगा 1, ऐसे कर लो, तो Q प्लस R इज 3, P अगर ग्रेटर है Q प्लस R से तो ऑब्वियसली मुझे ज्यादा मिलेगा, है ना, A गेट्स द मैक्सिमम शेयर, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज मैक्सिमम शेयर क्या होगा, 4 × 7 4/7 होगा ऑफ द टोटल, और ये 2/7 और 1/7 से तो ज्यादा ही है, मतलब 3/7 से तो ज्यादा ही, ऑब्वियसली तो मुझे ज्यादा मिला, ये बिल्कुल सही है डेफिनेटली। सेकंड, सी गेट्स द मिनिमम शेयर इफ आर इज लेस देन पी प्लस क्यू, आर इज लेस देन पी प्लस क्यू, ठीक है। अब और एक कंसीडर करते हैं, पी क्यू और आर, आर लेस है पी प्लस क्यू से, 3 और 2 से लेस है, ठीक है, तो सी गेट्स मिनिमम शेयर, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे 2 लिखता हूं और यहां पे 1 लिखता हूं, तो भी तो आर को कम मिलेगा ना पी प्लस क्यू से, 4 है यहाँ पे पी प्लस क्यू,
और आर टू है, लेकिन आर को क्या मिनिमम शेयर मिल रहा है? नहीं, क्यू को मिनिमम शेयर मिल रहा है, क्योंकि क्यू को तो वन मिल रहा है, 3:1:2 अगर मैं कंसिडर करूंगा तो ये जो कंडीशन है ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो रही है. इसका मतलब क्या है? दिस कंडीशन इज रॉन्ग, दिस वन अबव वन इज राइट, वन ओनली इज द आंसर. अब ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है ही नहीं, ये सिंपल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है. और ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी हर साल देती है, हमें लगता है डिफिकल्ट है क्योंकि हम लोग सॉल्व करना चाहते ही नहीं. हमें लगता है क्वेश्चन पढ़ते हैं हमें लगता है कि नहीं भाई, हमने तो ना फॉर्मूले पढ़े ना हमने ये सब्जेक्ट्स पढ़े, तो हम क्यों कैसे सॉल्व कर पाएंगे? तो वो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना, उसकी वजह से हमारे मार्क्स भी कम हो जाते हैं और मेनी पीपल दे आर नॉट एबल टू क्लियर इवन 66 कट ऑफ. नाउ पी स्कोर्ड 40% मोर देन क्यू इन एन एग्जामिनेशन. ठीक है भाई, 40 मार्क्स मोर, सॉरी, अगर क्यू को इतने मार्क्स मिलते तो क्यू प्लस 40 पी को मिले. ठीक है, इफ क्यू स्कोर 10% मार्क्स लेस मार्क्स देन पी, तो ऐसे समझ लो भाई पी को 100 मार्क्स मिल गए, 100% मार्क्स मिल गए. 10% लेस मतलब क्यू को 90% मार्क्स मिल गए. तो क्यू यहाँ पे दे रखा है कि भाई इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 10% है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. अगर किसी को समझ नहीं रहा होगा मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ. इफ द क्यू इज स्कोरिंग 10% लेस, दैट मींस इफ पी इज 100% देन क्यू विल स्कोर 90%. ऑब्वियसली नाउ पी स्कोर 40 मार्क्स मोर, दैट मींस द डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू मार्क्स इज गिवन एज 40. एंड इन इफ वी थिंक इन परसेंटेज वाइज द डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 10%. That means 10% of the percentage, the difference of the percentage is 10%, which is equivalent to 40 marks. Okay, then how much did Q score? अब Q का है कि भाई 10% अगर 40 है तो Q ने कितना स्कोर किया? 90% स्कोर किया, मतलब 40 × 9 करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी तो 90 आएगा, और 40 × 9 करना पड़ेगा तभी आएगा, मतलब 360 marks. तो Q ने कितना स्कोर किया? 360 किया, और P ने कितना स्कोर किया? 400 किया. सिंपल आंसर आ गया. नाउ अ पर्सन पी आस्क्ड वन ऑफ हिज थ्री फ्रेंड्स एक्स एज टू हाउ मच मनी ही हैड. ठीक है भाई, पी ने पूछा, ठीक है यहां पे प्रतीक ही लिख लेते हैं, ठीक है ना, प्रतीक ने पूछा, मैंने पूछा कि भाई कितने पैसे हैं. इफ वाई गिव्स मी देन एक्स रिप्लाइड, ठीक है, एक्स वाई और जेड ये तीन है, ऐसे पकड़ लीजिए. उसने बोला कि अगर y मुझे देता है 40, तो यहां पे 40 बढ़ जाएंगे, ठीक है, और y माइनस 40. इफ y गिव्स मी रुपीज 40, इफ y गिव्स x, ये x कह रहा है ना, सो इफ y गिव्स x रुपीज 40, देन y विल हैव एज मच हाफ ऑफ एज मच एज z, दैट मीन्स y माइनस 40 विल बी हाफ ऑफ एज मच एज z, मतलब y माइनस 40 इज इक्वल टू हाफ ऑफ z या z बाय 2, ऐसे कंसीडर करेंगे. ठीक है, नाउ इफ z गिव्स मी रुपीस 40, देन थ्री ऑफ अस विल हैव इक्वल अमाउंट, मतलब अगर z माइनस 40 अगर होता है तो इसके पास में प्लस 40 आ जाएगा, है ना, तो y इज इक्वल टू z माइनस 40 ये आ जाएगा. इसका मतलब क्या है कि तीनों के पास इक्वल अमाउंट आ जाएगा अगर z इसको देता है तो. इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कंसीडर करता हूं, इसको मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है, चलिए 2y माइनस 80 इज इक्वल टू z, z इज इक्वल टू y plus 40, 2y minus 80 is equal to, यहाँ पे मैंने consider कर लिया ना, z is equal to y plus 40, तो यहाँ मैं अच्छे से score करता हूँ, ठीक है, so 2y minus 80 is equal to y plus 40, that means y has, 2y को इधर ले गए, 2y minus y is y, and 80 को उधर ले गए, 80 plus 40 is 120, तो इसका मतलब क्या है, y के पास कितने, 120 है. इसका मतलब क्या है, x के पास 80 होंगे, है ना, और z के पास 160 होंगे. अगर z 160 में से 40 रुपए इसे दे देता है x को, 80 वाले को, तो ऑब्वियसली तीनों को इक्वल मिल जाएगा, 120 120 ईच आ जाएगा. तो इसका मतलब मेरा यहाँ पे सॉल्व हो गया, मैंने सिंपल लॉजिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, मुझे फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ी, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे सॉल्व करना पड़ा और मैंने जैसे क्वेश्चन पढ़ा उस हिसाब से मैंने इक्वेशन बना लिया. इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इक्वेशन क्वेश्चन समझना चाहिए बस. सबसे मेन जो चीज है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एज अ पर्सन व्हाइल सॉल्विंग सीसेट पेपर इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. इफ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन देन इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व एनी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चन इररिस्पेक्टिव ऑफ द चैप्टर दैट इट हैज कम फ्रॉम. रिमेंबर दिस थिंग. सो दैट मींस माय टोटल वुड बी 80 प्लस 120 प्लस 160, दैट मींस 123 से अगर 360 कर सकते हैं, ठीक है ना, है ना, 80 प्लस 2 इज 16, 1 कैरी, 360 इज द आंसर.
नाउ वी विल सी इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट 90 क्वेश्चंस, यही टेस्ट सॉल्व कर लेते हैं हम लोग. 5 मार्क्स आर अलॉटेड टू एवरी करेक्ट, मतलब 5 करेक्ट ठीक है, एंड 2 मार्क्स आर अलॉटेड डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, मतलब 2 माइनस हो रहे फॉर एवरी रॉन्ग आंसर. After attempting all the 90 questions, भाई सबने 90 question मार दिए, a student got a total of 387 marks. अब सबसे important, इसमें से हमें क्या करना है कि total marks calculate करने हैं. अगर हर एक right mark को 5 mark मिल रहे हैं, इसका मतलब 90 questions into 5 is 450 is the total marks. 450 marks आ गए total. अब इन्होंने क्या कहा है कि after attempting all the 90 questions, मतलब 90 questions तो attempt कर दिए उसने, a student got a total of 387 मार्क्स. इसका मतलब क्या है, 387 मार्क्स मतलब 387 से तो ज्यादा ही होगा. तो ऐसे समझ लो कि अगर हमने 80 सॉल्व किया है ना, तो 80 इंटू 5 इज 400 माइनस 10 रॉन्ग हो गए. अगर फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे तो व्हाट इज द नंबर ऑफ इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज दिया है, तो इनकरेक्ट रिस्पॉन्स मतलब हमने देखा कि 90 में से उसने 9 रॉन्ग किए और 81 राइट किए, तो आंसर आ गया इसमें 81 इंटू 5 इज 405 राइट. 9 इंटू रॉन्ग मतलब 9 इंटू 2 18 मार्क्स इज डिडक्टेड ना, तो माइनस 18 इज 15 माइनस 8 इज 7 1 कैरी 2 8 387 इज द आंसर. ये हो गया, हमने सिर्फ क्या किया ऑप्शंस देखा, आ गया आंसर. सबसे फर्स्ट ऑप्शन ही था आंसर. तो यूपीएससी इज नॉट मेकिंग सीसेट डिफिकल्ट, यूपीएससी इज टेलिंग कि यू डोंट नीड टू यू नो डिपेंड ऑन दोस फॉर्मूलाज, जस्ट शार्पन योर स्किल्स दिस क्रिटिकल analysis skills and then you'll be able to solve each and every question. UPSC हमें consider करने को कह रही है. Now, this is the question. 3P plus 4P plus PP plus PP is equal to RQ2, where P plus Q are different digits. What is the arithmetic wing? बाप रे. अब ये सोच के बहुत लोगों ने skip कर दिया होगा कि भाई मुझे तो आता ही नहीं है, है ना? लेकिन हमें कुछ नहीं करना था, हमें बस इतना पता है कि 1 2 3 4 अगर हमने कंसिडर किए ठीक है, 3 + 2 + 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 2 × 4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग राइट. 3 + 3 + 3 + 3 इज इक्वल टू 3 × 4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. उसने क्या किया है कि P + P + P + P इसको 2 से इक्वेलेंट किया है. इसका मतलब क्या है, हमें P × 4 ये देखना है कि इसके यूनिट्स प्लेस में कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिसके यूनिट्स प्लेस में 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 आता है. सिंपल कंसेप्ट समझा कि P को अगर मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो इसके कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनके यूनिट में मुझे 2 मिलेगा. इफ आई मल्टीप्लाई पी बाय 4 देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज देयर इन विच आई विल गेट 2 एज माई यूनिट्स डिजिट्स प्लेस. सो पी वुड बी 3 × 4 अगर मैं करता हूं तो ऑब्वियसली 12 मिलेगा. आ गया, मिल गया. सो पहला कंडीशन क्या मिला मुझे, 33 + 43 + 33 + 33 = RQ2. आई डोंट केयर RQ2 कुछ भी हो ठीक है ना, या ऐड कर ही देते. 33 × 3 = 99, 43 × 43 + 99 = 2 1 carry 9 + 5 = 14 142 ठीक है ना. 33 × 3 = 99 कैसे किया, क्योंकि ये 3 बार आ गया है ना. 9 + 3 = 12 1 कैरी और 10 14 142 इज माय फर्स्ट सम ठीक है. नाउ सेकंड इज, अब 5 से अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करता हूं तो 20 आएगा, तो 0 आ गया यूनिट प्लेस पे, नहीं. 6 से अगर 4 को करता हूं तो यूनिट प्लेस पे क्या आता है, 24, तो 4 आता है, नहीं. 7 से करता हूं तो 8 आता है, बिकॉज 7 × 4 = 28 यूनिट प्लेस पे 8 आता है, तो नहीं 7 भी नहीं आएगा. 8 अगर करता हूं तो 8 × 4 = 32 आ गया. फिर से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. तो 3 और 8 ऐसे दो नंबर हैं जिससे मुझे यूनिट्स प्लेस पे 22 मिल रहा है. तो और दूसरा जो मेरा सम होगा वो कौन सा होगा, 38 + 48 + 88 + 88 टू जा आई नो कि 160 176 होगा ठीक है, 176 और 38 + 48 दैट मींस 8 + 8 = 16 और 86 ये आ गया. 176 + 86 = 66 6 + 6 = 12 1 carry 8 + 8 = 16 1 carry 262. अब इसने क्या पूछा है, अर्थमेटिक मीन. अर्थमेटिक मीन मतलब कुछ नहीं, एवरेज होता है ठीक है, सिंपल है अर्थमेटिक मीन. थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकता हूं मैं, और भी अलग अलग चीजें पढ़ सकते हैं, टाइप्स पढ़ सकते हैं इसके, लेकिन फिलहाल के लिए हमें क्या करना है, अर्थमेटिक मीन ही करना है. तो 2 का जो अर्थमेटिक मीन होगा दैट विल नथिंग बी, दैट इज नथिंग बट इट विल बी द average of these two, that means 142
plus 262 divided by 2. 142 plus 262 is 4. 10, 1 carry, 404. 404 divided by 2 is 202, which is our answer. इतना इजी क्वेश्चन था. सिंपल मैथमेटिक्स भी नहीं लगाया मैंने, सिंपल लॉजिक लगाया कि कौन से ऐसे टर्म्स है. 1 टू 10 में ही मैंने सर्च किया है ना, तो 1 टू 10 के ही टेबल्स मैंने मुझे पता दे कि भाई 3 को अगर मैं 4 से करता हूं तो यूनिट्स प्लेस पे 2 आएगा, और अगर 8 को 4 से करता हूं तो भी यूनिट्स प्लेस पे 2 आएगा. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन. Now, P into Q, ये भी same similar तरह का question है कि P Q into 3, ऐसे कौन से terms होंगे जिसमें Q Q आएगा. Q Q मतलब कि कौन से term को मैं 3 से multiply करूंगा तो मुझे same term मिलेगा. अगर मैं 1 से करूंगा तो 1 into 3, 3 अलग term हो गया. अगर मैं 2 से करूंगा 2 into 3, 6 अलग term हो गया. अगर 3 से करता हूं 9 अलग term हो गया. 4 से करता हूं 12 अलग term हो गया, 2 हो गया है ना. 5 से करता हूं तो 5, 15. 5 into 3 is 15, तो मुझे ये पता चल गया कि भाई P 5 है यहाँ पे into 3. ये तो भाई ये नंबर मुझे पता चल गया. सिंपल Q, ठीक है ना. उसने पूछा है where P, Q and R are different digits. ठीक है भाई, different digits है तो ठीक है, मुझे ये पता है कि 5 into 3 अगर मैं करता हूँ तो 15 आ जाएगा. लेकिन अगर प्लस यहाँ पे 1 करूंगा, 50, देखो अगर मैं 45 अगर करता हूँ, ठीक है, 45 3 जा 5 3 जा 15, 1 कैरी, 4 3 जा 12, 13, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, 5 चाहिए. तो इसका मतलब क्या है, अगर मुझे यहाँ पे 5 चाहिए यहाँ पे, तो ये जो कैरी ओवर है उसे मुझे माइनस करना पड़ेगा. इसका मतलब जो है, जो मल्टीप्लीकेशन आएगा उसमें मुझे 4 चाहिए. तो ऐसे कौन सा टर्म है जिसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 4 यूनिट्स डिजिट पे मिलेगा. समझ रहे, are you getting what I'm trying to say? Which number is such that when multiplied by 4, I will get, when multiplied by 3, I will get 4 as its units digit. तो इसका मतलब है मैं try करूँगा. 1 into 3 करा, नहीं 3 आएगा, ठीक है. मुझे क्या चाहिए, 4 चाहिए unit digit में, ठीक है. 2 into 3 करा, 6 आया, नहीं आया. 3 into 3 करा, 9 आया. 4 into 3 करा, 12 आया, नहीं आया, ठीक है. 5 into 3 तो बिल्कुल नहीं आएगा. 6 into 3, 18, नहीं आया. 7 into 3, नहीं आया, 21 आता. 8 into 3, 24, 4 मिल गया मुझे. इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है ये 8 है. 85 into 3, अगर मैं करता हूँ 5 3 जा 15, 1 कैरी, 8 3 जा 24, 25. तो R की वैल्यू है 2, P की वैल्यू है 8 और Q की वैल्यू है 5. इसका मतलब क्या है, P plus R divided by Q is P, मतलब 8 plus R 2 divided by Q, मतलब 5 is 10 divided by 5, that means 2. सिंपल, बस कंसिडर करना है हमें वैल्यूज इसके. तो 10 by 5 is equal to 2. सिंपल, ये समझे ना कैसे आया. मैं और एक बार समझा देता हूं. जब मैंने इसे कंसिडर किया, 5 वाला तो समझ गया होगा कि 5 जब 3 इसे मल्टीप्लाई किया तो 15 आया, इसलिए मैंने 5 कंसिडर किया, क्योंकि Q into 3 should be equal to Q. तो 5 into 3 should be equal to 5. तो 5 आ गया यहाँ पे, 15 यूनिट्स प्लेस पे. अब मुझे क्या करना था कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ऐसा टर्म फाइंड करना था जिसका एडिशन एक से एड जब मैं करता तो यहां पे मुझे यूनिट्स प्लेस पे 5 मिलता. अगर वैसा कोई सम होता तो 4, इसका मतलब 4 आना था उसे, ठीक है ना. अगर जैसे फॉर एग्जांपल 85 ही देख लीजिए ना, अगर 85 into 3 अगर मैं करता हूं, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 8 3 जा 24, तो इसका मतलब क्या है, मुझे मल्टीप्लीकेशन में 4 ये यूनिट्स डिजिट पे चाहिए था, सो दैट इसे मैं एक ऐड करके 5 मिल जाता मुझे. तो 55 का मेरा जो कंडीशन है वो मेरा रिजॉल्व हो जाता, क्योंकि यहाँ पे क्यू क्यू है ना. तो ये 55 आ गया आंसर. यहाँ पे सिंपल सीक्वेंस हमने पूछा क्या है, 2 into 2, 7, 22, 67. अब इसे सिंपल माइनस करना है. 2 7 minus 2 is 5, 22 minus this is 15, 5 3 जा है ना, 67 minus 22 is 45, 15 3 जा 45 आ गया, ठीक है. 15 3 जा 45 आ गया. अब 45 into 3 is 90 plus 45, that is 135. तो 135, 202 minus 67 is 135. ये आ गया. तो इसका मतलब क्या है, 135, तो 202 into 135 into 15 करना था मुझे. सिंपल 135 into 3 करना था, सॉरी. 5 3 जा 15, 1 कैरी, 3 3 जा 9, 10, 1 कैरी, 3 1 जा 3, 4, 405. तो 202 plus 405 is equal to 607. ये मेरा आंसर आ गया यहाँ पे. मैंने कैसे किया, इसे बस
3 से मल्टीप्लाई करना था इन चीजों को, 5 इंटू 3, 15 इंटू 3, 45 इंटू 3 और 135 इंटू 3 और वही 405 इंटू 3 आता था, तो 1822 आता आंसर. सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड अराउंड 33 क्वेश्चंस, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो विदाउट एनी फॉर्मूला हम सॉल्व कर पाए. अगर एक दो क्वेश्चन आप अगर छोड़ देते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन हमने विदाउट फॉर्मूला सॉल्व किया है. इसी में आपको पता चल गया होगा कि मोर देन फॉर्मूला इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप योर प्रेजेंस ऑफ माइंड. अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हैं ना तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. एंड यही टोटल जो क्वेश्चन है मैंने 33 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है. इसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है Aspire IAS Official, उस पर आप जा सकते हैं. यहाँ पे टेलीग्राम चैनल दे रखा है Aspire IAS Official, वहां से आप ये PPT डाउनलोड कर लीजिए Aspire IAS Official से, एंड उससे आप सॉल्व कीजिए तो आपको पता चलेगा कि नहीं हमें फॉर्मुलेस की नहीं, हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, बेसिक न्यूमरिसी की जरूरत है. अगर वो हमारा ठीक होता है तो हमारे सारे क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे. एक दो क्वेश्चंस छोड़ के तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 33 क्वेश्चंस थे ये टोटल, तो 33 में से अगर हमारे 3 भी गलत हो जाते हैं तो भी हम क्लियर थे ओनली ऑन द बेसिस ऑफ क्वांट. तो इसका मतलब सोचिए कि अगर आप इंग्लिश करते हैं और लॉजिकल रीजनिंग भी सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली आप क्यों फेल होंगे. लेकिन हम क्या करते हैं एग्जाम हॉल में, हम सोचते नहीं, हम डर जाते हैं. तो डरने की वजह से क्या होता है कि जो दिमाग प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा जो चाहिए होता है, नेसेसरी होता है, वो भी हम नहीं ला पाते हैं. सो दिस इज, सो इन ऑर्डर टू हेल्प यू गाइज वी हैव स्टार्टेड विद अ न्यू बैच कॉल्ड एज CSAT फाउंडेशन कम प्रैक्टिस बैच, जो दोनों के लिए काम आएगा. अभी उत्तराखंड का भी PCS आने वाला है ना, MPSC भी है और UPSC भी है, तो तीनों में हम आपको हेल्प करेंगे जिनको जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है. और हम डिफिकल्ट टॉपिक्स पहले कंप्लीट करेंगे, जैसे मैंने बताया क्वांट, जैसे ये रीजनिंग इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है ना, तो मैं ये बताऊंगा कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व किया जाए विद आवर एग्जिस्टिंग नॉलेज, कैसे क्वांट के क्वेश्चन सॉल्व किए जाए. और उसके बाद में हम लोग जाएंगे रीजनिंग पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, क्वांट एंड इंग्लिश, ठीक है ना. जैसे आप MPSC का भी ट्रेंड देखेंगे तो 50 क्वेश्चन अराउंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पूछते हैं, जिसमें से 47 आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं. 2-3 का तो मार्जिन होता है, इसीलिए मिस्टेक्स हो जाते हैं कभी ये, तो हम लोग 5 का मार्जिन पकड़ लेते हैं, 45 यहां से पकड़ लेंगे हम लोग. एंड 10 क्वांट के तो बिल्कुल छोड़ने हैं ही नहीं, इसमें से 8-9 तो हमारे राइट होने चाहिए. लॉजिकल रीजनिंग के 10 पकड़ लीजिए आपके राइट है, 10-12. डिसीजन मेकिंग के अपने 3 राइट है, ऐसे पकड़ लीजिए, तो फिर भी आप MPSC में स्कोर कर पाएंगे. एंड अगर MPSC का छोड़े तो UPSC में भी आपको कैसे क्लियर होना है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको. बेसिक न्यूमरेसी का जो आपका स्किल है वो हम लोग एनहांस करेंगे थ्रू वेरियस असाइनमेंट, ठीक है ना. और मैं उसमें आपको फॉर्मूलाज भी बताऊंगा, लेकिन फॉर्मूलाज से ज्यादा मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम हमारे बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द टॉपिक्स, उससे ही हम कैसे क्लियर कर पाएंगे या कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पेपर डिस्कशन पसंद आया होगा. इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन और इसे शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों में. आई होप टू सी यू इन द क्लास. थैंक यू.